जय जय श्री राधे, श्री राधे राधे राधे। मंगल में गुरु के पद पंकज, मंगल में गुरु की प्रिय वाणी, मंगल में गुरु की दिनचर्या, मंगल में गुरु भक्ति वाणी, मंगल में गुरु के मंगल में गुरु की वाणी, मंगल में नखेश खिलो गुरु मूर्ति वेद पुराण बने। बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राम। हर गली कूचे में मीरा नाम प्रभु का गा रही, अपने गिरधारी की चर्चा हर जगह फैला रही। जब कहा राणा ने मीरा कृष्ण जपना छोड़ दे, अपना और गिरधर का नाता एकदम तू तोड़ दे। जब कहा मीरा ने राणा बात दूं तुझको बता, गौलोक जाने के लिए बस एक सच्चा रास्ता, उस मीरा के नाम से कौन रहा अनजान। इसका प्याला पी गई लेके कृष्ण का नाम, दरस दीवाने बावरे दर दर ठोकर खाए, मन में अभिलाषा बसे कहूं श्याम मिले यार। वृंदावन में आए के मीरा भई भाग विभोर, मंदिर मंदिर ढूंढती मेरो रसिया नवल किशोर। एक बार भक्तों हाथ ऊपर करेंगे, बोले मां के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। गिरधर गोपाल Okay।
Yeah.
तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रददेवी सत्यवतै नमो नमः। तमादिदेवं करुणानिदानं तमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतं स्वरूपं जंग प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमाण त्वस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमाद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को हमें यथाजुत प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे श्रीमती राधा रानी रावल में जन्म ग्रहण किया है और श्री वृषभानंद महाराज बड़े धूमधाम से राधा रानी के जन्म महोत्सव को उन्होंने मनाया। इसलिए कुछ कुछ लोगों का प्रश्न है, आप लोग तो खूब राधे 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 बोलते रहते हो लेकिन ये भागवत में ये श्रीमती का राधा नाम फिर क्यों नहीं दी गई, कुछ लोगों का ये प्रश्न है। लेकिन हमारे से गौड़ी और टीकाकार कहते हैं बोले श्रीमद भागवत में राधा रानी के सिवाय और किसका नाम है ही नहीं। नाम हो तो किसका नाम है भागवत में, जोर से बोलो बोले श्रीमती राधा रानी की, केवल श्री राधा रानी के नाम है। इसलिए ये ग्रंथ का नाम भी श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम मतलब क्या है, श्री श्री मतलब होता है शोभा सौंदर्य और लक्ष्मी, और मूल लक्ष्मी कौन है,
बोले ये श्रीमती राधा रानी की मत मतलब बताएं ये प्रेम है। एक उदाहरण दे करके समझाए, कोई एक सेठ था, वो खूब पैसा कमाता है, लेकिन पैसा किसको पास में जमा करता है? सेठानी को पास। एक दिन सेठानी लाख लाख रुपया, गड्डी के गड्डी रुपया अलमारी में सजा करके रखी थी, और हीरे जवाहरात हैं अलमारी में सजा करके रखी थी। एक दिन वो सेठानी पागलिनी हो गई और जितने रुपया पैसा था धन दौलत उस पर ले करके छत के ऊपर गिर गई, और इतने में उसने लुटाना शुरू की। और जितने दुखी दरिद्र लोग थे, लाख लाख रुपया गड्डी के गड्डी उठाए, हीरे जवाहरात और सबके सब माला माल हो गए। बोले यहाँ पर ये सेठ कौन है जो खूब कमाता है? बोले ये श्री सांवरिया सेठ है, श्री कृष्णचंद्र ये सेठ है। लेकिन ये तो खूब धन कमाता है, लेकिन रखता है किसको पास में? बोले सेठानी। यहाँ सेठानी कौन है? तुम लोग सब जानते हो, इसलिए सेठानी श्री राधा रानी। राधा रानी खूब प्रेम धन को खूब जमा जमा करके राधा रानी अपना तेजोरी में रखती हैं। एक दिन राधा रानी कृष्ण प्रेम में राधा रानी बाबरी बन गई, प्रभु जी इधर आ जा, इसलिए उन्होंने बाबरी बन गई। बाबरी बन करके सारे हीरे जवाहरात असरफियों को उन्होंने उठाए और उन्होंने गई छत के ऊपर में जा करके उसने लुटाना उसने शुरू की। और आप और हम जैसे कृष्ण प्रेम के जो भिखारी दरिद्र लोग थे, सबके सब उठाए धन दौलत उठाए, और सबके सब हम कृष्ण प्रेम में माला माल हो गए। इसलिए कहते हैं ये श्रीमद् भागवत मतलब होता है, ये श्रीमती राधा रानी जब कृष्ण प्रेम में जब दीवानी बनती हैं, दीवानी बनकर जब ये कृष्ण प्रेम धन को लुटाती हैं, कौन है ये श्रीमती राधा रानी। इसलिए हम भागवत नहीं सुन रहे, क्या कर रहे हो? हम कृष्ण प्रेम धन को हम लोग इकट्ठे कर रहे हैं। और ये भागवत है क्या चीज? बोले ये राधा रानी की प्रेम ही ये श्रीमद् भागवतम। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की। इसलिए कहते भागवत में कहाँ कहाँ पर श्रीमती राधा रानी का नाम है। कर जब श्री सुखदेव गोस्वामी भागवत को प्रारंभ करते हैं, वो प्रारंभ में ही राधा रानी को पूजा करते हैं। बोले क्यों? कदि ये सुखदेव गोस्वामी है कौन? बोले ये प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया। कदि ये राधा रानी की प्रिय तोता है, इनका गुरु श्रीमती राधा रानी। इसलिए नियम है, कृष्ण खुद कहते हैं प्रथमंतो गुरुम पूज्यम ततश्चैव ममार्चनम। मतलब पहले गुरु जी को वंदना करनी चाहिए, उसको बाद में कृष्ण को पूजा करनी चाहिए, नियम ये है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जो प्रारंभ करते हैं भागवत को, सबसे पहले श्री राधा रानी को पूजा करते हैं, उनके चरण की वंदना करती हैं। इसलिए सत्यम परम धीमहि, परम सत्य रूप में कृष्ण की जो पराशक्ति श्रीमती राधा रानी। इसलिए श्री गौतम तंत्र में बताए राधा रानी की कुछ नाम बताए। हाँ ध्यान देकर सुनो, देखो राधा रानी का कितना नाम और क्यों कि ये सब नाम है। बोले देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परा देवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्व कांति सन्मोहिनी परा। मतलब है कहते राधा जी का एक नाम देवी। बोले देवी क्यों? बोले दत्तमाना अपूर्व सुंदरी। जब राधा रानी प्रकट होती है, राधा रानी के अंग कांति से संपूर्ण वृंदावन धाम उजला उजला हो जाती है, और राधा जी की कांति के अंदर में कृष्ण कांति भी समा जाती है। राधा रानी कितने सुंदरी है, उदाहरण दिया, ये पृथ्वी में जितने स्त्रियां हैं इनकी सुंदर को एकत्रित करो, और जो स्वर्ग में जो रंभा उर्वशी मेनका हम नाम सुनते हैं, कहते पूरा भारत पृथ्वी का जितने स्त्री का सुंदरता को एकत्रित करोगे तो स्वर्ग में एक देवी को साथ में होगा। मतलब स्वर्ग के स्त्रियां इतने सुंदर, कहते इनकी सारी सुंदरता को जब एकत्रित करोगे, जितने स्वर्ग में रंभा उर्वशी मेनका, कहते इनकी सुंदरता एकत्रित करने पर कहते एक लक्ष्मी को साथ में बराबर होगी। इतने लक्ष्मियां सुंदरी, कहते सारे लक्ष्मियों की सुंदरता को एकत्रित करोगे तो कहते एक गोपी को साथ में उधार होगा,
इसलिए कृष्ण कहते हैं सुमध्यमा हैं स्वागत में महाभागा। इसलिए कृष्ण कहते सुमध्यमा, सुमध्यमा मतलब क्या है, जिनकी कमर बहुत बहुत ही पतली, जिनकी कमर है, कहते इतने गोपियां सुंदरी, कहते ये सारी गोपियों की सुंदरता को एकत्रित कर लो तब क्या होगा। बोले राधा रानी की चरण की नख की छटा में इतने प्रकाश है, उसी में ही समा जाएगी। बोले श्रीमती राधा रानी की, इसलिए राधा जी का पहला नाम देवी, दूसरा नाम बोले कृष्णमयी। कृष्णमयी मतलब कृष्ण जिनका भीतर में भी, कृष्ण जिनकी बाहर, इसलिए कृष्ण का राधा जी का एक नाम श्यामा। श्यामा क्यों, कृष्ण श्याम है, इसलिए वो कृष्ण चिंतन करते 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 एकदम काली। इसलिए श्री जगन्नाथपुरी में एक तोटा गोपीनाथ है, वहाँ पर देखो कि राधा रानी काली है। कारण क्या है, बोले कृष्ण रंग में रंगी हुई, हर समय कृष्ण रंग की चिंतन करती हैं। इसलिए देवी कृष्णमयी, कृष्णमयी मतलब जिनके अंदर में भी कृष्ण, जिनकी बाहर में भी कृष्ण, जहाँ देखती है राधा रानी केवल उनको कृष्ण ही कृष्ण ही कृष्ण ही कृष्ण ही दिखती हैं, कृष्ण के सिवाय जिनको कुछ नहीं दिखती हैं। बोले देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका, उनका तीसरा नाम है राधिका। बोले राधिका नाम क्यों, बोले कृष्ण न आराध्यते इति राधा, कृष्णम समाराध्यते इति राधा। कारण है कृष्ण जिनकी आराधना करती हैं, वह कृष्ण की आराधना जो करती हैं वो कौन है, बोले ये श्रीमती राधा रानी। इसलिए जिस समय कृष्ण रास से अंतर ध्यान हो गए हैं, जब अंतर ध्यान हो गए इतने में राधा रानी का तो हो गया मान। राधा रानी देखा कृष्ण सबको साथ में और कृष्ण मेरे साथ में, लेकिन गोपियों के अंदर में हो गया सौभाग्य मान। बोले क्यों, बोले गोपियां ये देख रही थी कृष्ण केवल हमारी पास में, और किसके पास में है ही नहीं। और कभी अगर पसीना निकले, कृष्ण दोपटा से पसीना पोंछ देते हैं, जो एक कान में कुंडल पहन करके आई थी कृष्ण दूसरे कान में पहना दी, जो गले की हार को कमर में, कमर की करधनी को गले में पहन ली थी कृष्ण ठीक ठीक सजा दिया, जो आधा कपड़ा पहन करके आई थी कृष्ण पूरी कपड़ा पहना दिया है। और कृष्ण कभी कभी बोलते थे क्या थक गई हो, थोड़ा चरण दबा दो। कहते कहते स्त्रियों के अंदर में एक बुरा गुण भी है। बोले क्या है, अगर पति अगर ज़्यादा प्रेम करता है ना, फिर पत्नियाँ पति को सर पर चढ़ बैठती हैं। बोले ये हमारी बगर इनको छोड़े सर, हमें बगरा इनको चलेगा ही नहीं है, इनका अभिमान हो गई। इतने में गोपियों ने फिर और एक भावना आ गई, राधा रानी की कोई ज़रूरत नहीं, हम तो पूर्ण हैं, स्वतंत्र नायिका, कोई राधा जी की जरूरत नहीं। कृष्ण ने देखा भैया गड़बड़ी हो गया, क्यों, रासेश्वरी हो है कौन, बोले श्री राधा रानी रासेश्वरी है, मूल राधा रानी। इसलिए जब रास होता है ना, राधा रानी सिंहासन में बैठी रहती हैं, और जितने कृष्ण सखियों को साथ में आ करके राधा जी से प्रार्थना करते हे किशोरी जो रास का समय है गयो है, आप कृपा करके रास में पधारो। कृष्ण स्वयं राधा जी को प्रार्थना करते, क्यों, रासेश्वरी श्रीमती राधा रानी। इतने में जब राधा रानी हो गया मान, जे क्या मैं सबके साथ में बराबर हो गई हूँ, इतने में कृष्ण राधा रानी रास छोड़कर चली गई। कृष्ण ने देखा जब राधा रानी ही चली गई, फिर ये रास का क्या महत्व है रास का। इतने में श्याम सुंदर भी रास से अंतर ध्यान हो गए, और एक कुंज में गए और अपना ड्रेस को बदला दिया कृष्ण, और एक सुंदर श्यामा सखी रूप धारण कर ली। बोले एक काम करो, चलो हम श्याम सुंदर को ढूंढने जाएंगे, लेकिन अकेले अकेले नहीं, हम दो दो बन करके कृष्ण को ढूंढने के लिए चलते हैं। कृष्ण ने क्या किया, राधा जी की हाथ पकड़ ली, बोले चलो हम दोनों चलते हैं। राधा जी को तो पता ही नहीं चला, राधा रानी सोची शायद कोई ये सखी होगी। इतने में श्याम सुंदर राधा रानी को एक निकुंज में ले गए और अपना हाथों से उनको श्रृंगार कर रहे थे। इधर ब्रज गोपियाँ कृष्ण विरह में व्याकुल हो रही हैं, श्याम सुंदर कहाँ हैं, श्याम सुंदर कहाँ हैं। जब उन्हें ढूंढते ढूंढते हठात दो चरण चिन्ह दिखने को मिला,
अभी वहाँ पर तीन तरह का गोपियाँ हैं, एक स्वपक्ष, एक विपक्ष और एक तटस्थ। स्वपक्ष मतलब जो राधा रानी की पक्ष में रहने वाले, विपक्ष मतलब जो कृष्ण को ही मानते हैं, तटस्थ मतलब जो राधा कृष्ण दोनों का ही सेवा करने वाले। अभी जो राधा रानी के चरण की सेवा करती हैं श्याम सुंदर की, उस पहचान गई तो श्याम सुंदर का चरण चिन्ह है, बोले इधर गए, जब और थोड़ी दूर गए ना, दोनों को बीच में एक प्यारी एक सुंदर एक चरण छाप देखा, देख करके जो सुखदेव गोस्वामी कौन है, बोले ये श्रीमती राधा रानी की प्रिय सुख है, इसलिए राधा जी के चरण की ये सेवा करने वाली, इसलिए राधा जी के चरण चिन्ह देख करके तो पहचान गए ये तो किशोर जी के चरण चिन्ह है, हैं? वो बड़े प्रसन्न हो गए, भले अनाराधित अनुनम भगवान हरीश्वर, भले ही तुम लोग जितने अभिमान करना हो करना करो, लेकिन देखो देखो तो सही, सब गोपियां तो यहाँ पर थी, लेकिन यहाँ हमारे श्याम सुंदर किसको लेकर गए, केवल श्री किशोर जी पर लेकर गए, हमारी राधा रानी को। बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्रीमती राधा रानी की, इसलिए बड़े प्रसन्न हो गए और उन्हें डिक्लार किया। जैसे दो दल में अगर युद्ध हो ना, जो व्यक्ति जीत जाता है क्या करता है, शंख बजाता है, हमारी विजय हमारी प्राप्त हुई, इसलिए सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक को बोले अनयाराधितम, मतलब यद्यपि कृष्ण की सेवा सभी करते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ रूप में कौन करने वाली है, श्रीमती राधा रानी, इसलिए उनका नाम राधा। राधा मतलब क्या, जो विशेष पूर्वक कृष्ण को आराधना करती हैं, इसलिए देवी कृष्णमय प्रोक्ता राधिका परा देवता। बोले इनके चौथा नाम क्या है, बोले परा देवता। परा देवता मतलब जगत में जितने देवी हैं जगत में, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी राधा अवतार सवे आम नाय वाणी। इसलिए कहते जितने उमा रमा सत्या सची, जितने लक्ष्मी अनंत करोड़ों, जो लक्ष्मी विशेष करके तीन लक्ष्मी है, कितने लक्ष्मी है, कहाँ कहाँ, कहते एक वैकुंठ में जितने मत्स्य कुर्म बराह नृसिंह, ये सब के सब लक्ष्मी है, हैं? बोले दूसरे लक्ष्मी कहाँ पर है, कहते जितने गोपियाँ हैं ना, जितने गोपियाँ ये भी सब के सब ये लक्ष्मियाँ हैं, हैं? ये सब के सब लक्ष्मियाँ हैं। और द्वारका में जितने कृष्ण की पटरानियाँ ये भी लक्ष्मी है, लेकिन ये सारे लक्ष्मियों का मूल कारण कौन है, बोले ये श्रीमती राधा रानी, राधा रानी ही अलग अलग लक्ष्मी रूप धारण करते हुए अनंत वैकुंठ में राधा रानी भगवान की सेवा करती हैं। मूल लक्ष्मी कौन है, बोले श्रीमती राधा रानी, इसलिए बोले सर्व लक्ष्मी मई, बोले सर्व कांति मतलब होता है इच्छा, बोले कृष्ण की सारी इच्छा को कौन पूरी करती है, बोले श्रीमती राधा रानी सारी इच्छा है, इसलिए कृष्ण ही, ये राधा रानी रूप में कृष्ण क्यों प्रकट हुए, कारण किया, बोले कारण है जैसे आपका घर में हम गए, हमको मीठा बहुत पसंद, लेकिन आप केवल नमकीन नमकीन बनाकर खिला दिया, खा तो लेंगे लेकिन उतना खुश नहीं होंगे, लेकिन मन पसंद चीज खिलाओ ना, बोले वाह क्या बढ़िया आपने खाना बनाया है। अभी कृष्ण को क्या पसंद है ये कृष्ण को ही पता है, इसलिए कृष्ण ने क्या किया, इनके वाम अंग से श्री किशोर जी को प्रकट किया, इसलिए कृष्ण की सारी की मनोभावना को कौन जानती है, राधा रानी, और डाहन अंग से श्री दाऊ भैया श्री बलदेव प्रभु प्रकट हुए हैं, इसलिए राधा रानी और कोई नहीं, कहते जापी राधा सापी कृष्ण जा राधा कृष्ण एवस एक ज्योतिंग दिधाभिर्न राधा माधव स्वरूपम, जो राधा वही कृष्ण, जो कृष्ण वही राधा, कृष्ण ही स्वयं एक राधा रानी रूप में अलग रूप में प्रकट हुआ, लेकिन ये और कोई नहीं, कृष्ण की जैसे के सामने एक शीशा रख लो, अपना शरीर को जैसे श्रृंगार करोगे ना, ठीक शीशा में ही तुम्हारी रूप अपने आप प्रतिभात होगा, उसी तरह कृष्ण की मन में जितने इच्छाएं हैं, कहते ये सारी इच्छाएं
अपने आप राधा रानी रूपी एक स्वस्थ दर्पण में अपने आप प्रतिभात होता है। इसलिए कृष्ण जो जो चाहती हैं, जैसे चाहते हैं, राधा रानी ठीक ऐसे ही कृष्ण की इच्छा को ये पूरी करते हैं। इसलिए बल सर्व लक्ष्मी सर्व कांति है, बोले तीसरा जो नाम है सन्मोहिनी। सन्मोहिनी मतलब क्या है? बोले विश्व ब्रह्मांड को कौन मोहित करता है? बोले भगवान। इसलिए कृष्ण का एक नाम है मदन मोहन, विश्व ब्रह्मांड को जो मोहित करते हैं। इसलिए सारा दुनिया को तो कृष्ण मोहित करते हैं, लेकिन कृष्ण को मोहित कौन करती है? बोले श्री राधा रानी। इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, बोले बंसी करान निपतित स्खलित शिखंड भ्रष्टंच पीत वसनम ब्रजराज सुनु। वो कह रहे हैं जब श्री राधा रानी एक कृपा कटाक्ष श्याम सुंदर को करते हैं, कहते कृष्ण स्वयं इनकी मोर पंख गिर जाता है, इनके बंसुरी गिर जाता है, कृष्ण खुद कब गिर जाते हैं उनको भी पता नहीं चलता है। ऐसे दुनिया को मोहित करने वाले कृष्ण और कृष्ण को मोहित करने वाले श्री किशोरी जो, बोले श्री राधा रानी की। इसलिए कहते भागवत में सर्वत्र सर्वत्र श्री राधा रानी का नाम भागवत में सर्वत्र बताई गई। जब गोपियों ने फिर यमुना किनारा में गई, बोले कृष्ण को भजन बड़ा प्यारा है, चलो हम बैठ करके क्या करेंगे, कृष्ण की कीर्तन करेंगे। जब कृष्ण कीर्तन की, इतने में गोपियां श्याम सुंदर रह नहीं सके, गोपियों को बीच में मन्मथ का मन्मथ रूप लेकर के श्री श्याम सुंदर प्रकट हुए। जब श्याम सुंदर प्रकट हुए, कोई उनका चरण पकड़ लिया, कोई उनका कंधे, कोई गलबहनिया, कोई तांबुल मांग रही थी, लेकिन कुछ गोपियां पास में फटक नहीं रही थी और दूर में खड़ी होकर के वो देख रही थी। लेकिन और एक जो गोपी थी बड़ी दूर में खड़ी होकर के बड़े तेरी से चितवन से कृष्ण का तरफ में क्रोधित होकर के वो कृष्ण का तरफ में वो देख रही थी। कहते एका भ्रुकटी माबाध्या प्रेम समृद विहोला है, प्रेम से कृष्ण को तरफ में देख रही थी। भागवत में तो किसका नाम नहीं बताया गया, लेकिन हमारे श्री सनातन गोस्वामी उनने सब का नाम एक एक बता देते हैं। बोले के कृष्ण का चरण जो पकड़ कर रखी थी कृष्ण को पास में, वो कौन है? बोले ये चंद्रावली का दल है। बोले दूर में खड़ी होकर के जो देख रही थी ये कौन है? बोले ये ललिता विशाखा आदि सखियाँ हैं। लेकिन जो एक सखी दूर से खड़ी होकर के तेरे चितवन से तो कृष्ण को एकदम जैसे तीर विध कर रही थी, ये कौन है? बोले ये श्रीमती राधा रानी। लेकिन कृष्ण का जो नजर है वो कहीं कृष्ण का नजर नहीं था। कृष्ण का नजर कहाँ था? केवल उसी गोपी को ऊपर कृष्ण का नजर था। और जो ललिता विशाखा आदि जो दूर में खड़ी हुई थी वो देख रही थी, देखो भले ही कोई उनको पार चरण पकड़ो, उनको गलबहनिया दो, लेकिन हमारे श्याम सुंदर का नजर किधर देखो? बोले केवल श्रीमती राधा रानी की तरफ में। इसलिए जिसमें श्री राधा रानी की महिमा को जिसमें बताई गई, इसलिए भागवत में कहीं रमा, कहीं लक्ष्मी, कहीं इंदिरा, कहीं बधु, अलग 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 रूप में श्री राधा रानी का नाम भागवत में बताई गई। क्योंकि स्पष्ट रूप में सुखदेव गोस्वामी नहीं लिए, कारण है जब एक बार श्री राधा रानी का नाम लेते थे 6 महीना तक ये बेहोश हो जाते थे। पहले दिन केवल 7 ही दिन है, अगर 6 महीना बेहोश हो गया तो फिर भागवत कथा कैसे सुनाऊंगा? इसलिए उन्होंने उसको मत दिया करो, उसको पीछे ले जाओ। इसलिए हाँ, इसलिए उन्होंने श्री राधा रानी का नाम को स्पष्ट रूप में उन्होंने ग्रहण नहीं किया। बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री वृषभानुराज नंदिनी की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इसलिए गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे, क्या सुन रहे थे, कैसे कृष्ण गोकुल में जन्म हुए और कैसे कृष्ण पुतना को उन्होंने बध किया।
इसलिए पुतना कौन है, कदि अविद्या वा पाप है, भगवान शिक्षा देते हैं अगर मुझको कोई हृदय में बैठना चाहते हो क्या करो, पहले ये पुतना को, सबसे पहले ये पुतना को मारो हैं। उसको बाद में नंद बाबा गए थे कर देने के लिए, जब वापस आए उन्होंने सुना ऐसे ऐसे पुतना आ गई थी और लाला कैसे बचते बचते कैसे मरते मरते कैसे बच गए लाला। नंद बाबा बोले मैं था नहीं ना इसलिए ये पुतना आ गई। बोले देखो एरे गेरे व्यक्तियों का अंदर में घुसने मत दिया करो। इतने में भोले बाबा बड़े सुंदर श्रृंगार करके भोले बाबा आते हैं, अलग निरंजन करते हुए। इतने में आ करके एक गोपी थी, बोले मैंने सुना नंदक घर में लाला भयो है। बोले तेरा कहा भयो है? बोले थोड़ा लाला को दर्शन करा दो। बोले अरे कल ही पुतना आ गई थी, वो तो इतने सुंदरी बन करके आई थी, क्या उनकी चाल, क्या उनकी केस, क्या उनकी श्रृंगार, ऐसे लग रहा था मानो वैकुंठ से लक्ष्मी उतर करके आ गई और निकली तो निकली वो राक्षसी। अब तू तो देखने में वैसे लग रहे हो, हमारे लाला का तो बढ़ते दिन नजर लग जाती है, लाला का दर्शन नहीं होगा। जो सोना चांदी लेना लो अपना रास्ता देखो। इतने में मैया को बोला, मैया तो देख रही डर गई, बोली बाबा लाला का दर्शन नहीं होएगा। इतने में मैं लाला को अंदर से निकालूंगा नहीं। शंकर जी बोले देखो जब तक नहीं निकालोगे ना तब तक मैं यहाँ से हटने वाला नहीं है, मैं यहाँ से हटने वाला नहीं यहाँ से। इतने में मैया कहती है देख बाबा मेरा चार दरवाजा है, हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार दरवाजा है, इसलिए पीछे दरवाजे से लाला को निकाल लूंगी। बोले मेरे चार स्वरूप भी है इसलिए चार दरवाजा में बैठ जाऊंगा, जब लाला को निकालोगे ना तभी निकलूंगा। बोले मेरे ग्यारह दरवाजा है। शंकर जी बोले मेरे ग्यारह रूप भी है, ग्यारह रुद्र हैं, इसलिए मैं तब तक बैठूंगा जब तक लाला का दर्शन नहीं होगा। इतने में शंकर जी आंख बंद करके प्रभु को ध्यान करने लग गए। बोले प्रभु आपके सारे लीलाओं को तो मैंने दर्शन की लेकिन आपका ये बाल गोपाल रूप दर्शन नहीं करी, प्रभु मेरे को दर्शन दो। भगवान तो भक्तवत्सल है, अभी उन्होंने रोना प्रारंभ कर दी, जितने थपथप लगाए उतना रोए। बोले क्या हो गया लाला का, रोना क्यों बंद नहीं हो रहा है? किसने कहा, वो जो बाबा आया ना वो आंख बंद करके बैठा हुआ और मन मन में कुछ मंत्र जप कर रहा है, लगता है तेरे लाला ऊपर कोई नजर लगा दिया। इतने में मैया ने काले कपड़े से ओढ़ करके काले मोटे मोटे हैं काजल लगा दी, काला का बूंद लगा दी, नजर नहीं लग जाए, फोटा लगा करके बड़े कष्ट से ला करके दर्शन दिलाती है। एक झल का दर्शन करते ही शंकर तो जो हंस रहे थे शंकर जी रोने लग गए और कृष्ण जो रो रहे थे ना कृष्ण हंसना खिलखिला करके हंसना शुरू कर दिया। इसको देख करके बोले भैया बाबा कुछ जानता है, लाला का तो रोना लेकर के अपना हंसना दे दिया लाला को। बोले बाबा तेरे कोई जादू टोना आता है कि ना? बोले हाँ। बोले मेरे लाला को बड़े जल्दी नजर लग जाती है, कोई उपाय है? बोले एक उपाय है, अगर लाला की स्नान का चरणामृत दे दोगे ना लाला की अपने आप रोना बंद हो जाएगा, नजर नहीं लगेगा। बोले सो कर लूंगा। बोले और एक काम करोगे तो कभी नजर नहीं लगेगा। बोले क्या है? बोले लाला को जो भोग लगाओगे उसका प्रसाद मेरे को दे देना। अभी भी नंदगांव में भगवान की चरणामृत और भगवान का प्रसाद अभी भी शंकर जी उसको ग्रहण करते हैं। बोले श्री भोले बाबा की जय, जय श्री राधे। अभी कृष्ण जब धीरे धीरे तीन महीना की हो गए, कृष्ण करवट लिया है, मैया तो खुश हो गई, आज करवट लीला की हम घर में करेंगे। उनने सारे पड़ोसी पड़ोसियों को नौता दे दी, लाला को स्नान करा के अपना आंगन को साफ सुथरा करके जितने दूध दही बैलगाड़ी को ऊपर रख करके दूर में रख दी और लाला को उसको नीचे लेटा दी, क्योंकि गोपियां आकर के अभी भजन गाएगी, लाला का कच्चा नींद टूट नहीं जाए, फिर किसको कुछ लेना देना। ब्रज गोपियां बैठी करके बड़े सुंदर लाला की बधाई गा रही थी। बोले जियो श्याम लाला, जियो नंद लाला,
पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो नंद लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, अगो कुल में आयो नंद लाला, गोपियों से पड़ गया गोपाला, गोपियों से पड़ गया गोपाला, जियो जियो नंद लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो नंद लाला, पीली तेरी पगड़ी अमत रो काना हुआ हुआ, रो काना हुआ हुआ, को नंदा हुआ समझावे को नंदा हुआ, जियो जियो श्याम लाला जियो नंद लाला, दिल्ली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो, अखीरी जलती पूरी लाडू कुआ, खीरी जलती पूरी लाडू कुआ, आज तो मती करे आनंद नंद के लाला की। अभी ये कीर्तन सुन करके कृष्ण की नींद खुल गई। कृष्णा भी उत्सव में आना चाहते हैं, लेकिन आज तो कृष्ण को 3 महीना पूरी हुई है, अभी उनको घुटन में भी चलना नहीं आते हैं। बोले बाला नाम रोदनम बलम, बालों का बल क्या, बोले रोना। अगर बच्चे अगर रोए ना, अरे माताएं क्या करती हैं, बच्चे को गोद में उठा करके ले आती। कृष्ण सोचा अगर थोड़ा रोऊं, हो सकता है मैया मेरे को कीर्तन में ले आएगी, कीर्तन का आनंद भी लूं। इतने में कृष्ण जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दी, लेकिन मैया तो लेन देन में लगी हुई, कान में तो रोना की आवाज पड़ी नहीं। कृष्ण बोले इतना तो रो लिया, कितना रोऊंगा। अभी कृष्ण की है जो इच्छा शक्ति जोग माया कंस को प्रेरणा की, कंस ने ये तृणावर्तन श्री शकटासुर को भेज दिया, और ये शकटासुर उसको शरीर था नहीं, और शकट के ऊपर में भार होकर के सोचा धीरे धीरे दबाते दबाते कृष्ण को मैं पीस डालूंगा। इतने में कृष्ण धीरे 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 अपना चरण को चलाया, ऐसे ठोकर मारे सारे बैलगाड़ी पलट गई, और वहीं पर उन्होंने शकटासुर को बध कर डाले। इतने में गोपियां तो कीर्तन कर रही थी, बोली कोई आंधी तूफान है नहीं, ये गिरी कैसे। लेकिन बच्चों ने देखा था, बोले मैया मैया हम बोलेंगे, बोले क्या है, बोले कैसे गिरा, बोले लाला की चरण की ठोकर से। बोले लगता है भांग की गोला ज्यादा खा लिए हो, लाला का भी 3 महीना, और इसकी चरण की ठोकर से बैलगाड़ी पलट गई। मैया को विश्वास नहीं हुआ, फिर लाला को ला करके कीर्तन को बीच में लेटा दी। कीर्तन की तो कृष्ण बोले पहले अगर ले आते इतना नटखट में करता नहीं है। इतने में यहाँ पर शिक्षा देते हैं, कभी कभी जो साधन भजन करते हैं इनकी जीवन में भी कभी कभी ये आंधी तूफान आती है। कहते सत्यम सत्यन न विघ्न नानी, अगर कोई सच बोले ना 100 विघ्न है, और जो तपस्या करे उसमें 1000 विघ्न। अब विशेष करके जो गोविंद का भजन करते हैं उनका पद पद में तो भजन विपत्ति, पद पद में विपत्ति भक्ति जगत में। यहाँ तक भी देवता लोग भी जो भगवान की भक्ति करते हैं वो भी साधकों का टांग पकड़ कर खींचना शुरू कर देते। बोले क्यों, बोले ये मरते जगत में जन्म लिए और भजन करते हुए हमारे सर के ऊपर प्यार रखकर के वैकुंठ बोलो के वृंदावन जाने नहीं देंगे, पकड़ कर टांग खींचेंगे, इसलिए सावधान रहना। देखना घर में
उल्टा पुल्टा दिन भर टीवी पीवी इधर उधर देखो ही बोलेगा नहीं, लेकिन थोड़ा माला जप करना शुरू कर दो, थोड़ा तिलक कंठी लगाना शुरू कर दो, पूरा घर में तुम्हारी सब विरोध हो जाएंगे हैं। और अड़ोसी पड़ोसी बोले सब ये सब बाबा बन गए, सब कैसे साधु बन गए हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे तिलक लगाते हैं, लेकिन गंदा काम करना कोई कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन प्रभु की भक्ति में जाओ बड़ा विपत्ति। इसलिए कहते भक्ति करो तो कभी कभी जीवन में बोले क्षण समय के लिए, थोड़ी समय के लिए कभी कभी जीवन में बड़ी बड़ी आंधी तूफान आ जाएगी, लेकिन यहाँ शिक्षा देते हैं कभी भी भगवान के भजन कभी नहीं छोड़ना, प्रभु की भक्ति नहीं छोड़ना। मीरा का नाम सुनी कि नहीं? मीरा बाई ने जब भजन की उसका पति विरोध हो गए, उसका देवर विरोध हो गए, और सांस ननंद की तो बात छोड़ दो, आपको पता होगा कितना तेज है हैं। बोले ये क्या राज रानी होकर के संतों के बीच में तिलक कंठी लगा करके माला लेकर जप करती हैं, ये तो हमारे नाक कान कटवा रही हैं, रानी होकर के सब क्या काम है सब। इसलिए उनको जान से मारने के लिए कोशिश की, उनको सांप भेज दिया पिटारी में, लेकिन वो बन गया सालग्राम, जहर के प्याला भेज दी, लेकिन वो तो गिरधर लाल को भोग लगाए कुछ खाती नहीं, ठाकुर को अर्पण किया तो जहर भी प्याला अमृत बन गया जहर। इसलिए भक्ति जगत में कभी कभी बड़ी बड़ी कठिनाई थोड़ी समय के लिए, सब समय के लिए नहीं, थोड़ी समय के लिए आता है, लेकिन हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। अपना भले ही दुनिया छूट जाए लेकिन अपना भक्ति नहीं छूटनी चाहिए। और जिन लोगों ने भजन किया देखो दुनिया में किसका नाम हो रही है, मीरा के नाम हो रही है। विभीषण ने जो भजन की हैं, उसी समय में रावण पूरा रावण विरोध हो गया उसकी, लेकिन पूजा किसकी हो रही है, विभीषण की पूजा हो रही है। इसलिए भक्ति में अगर कहीं बाधा आए तो डरना नहीं, जाके राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगह बैर हो। इसलिए निर्डर होकर के एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अभी धीरे धीरे कृष्ण जब थोड़ी सी बड़े हो रही हैं, जो बच्चे का पहले जब दांत निकलता है ना, एक दिन मैया जसोदा मुंह में अंगुल डाल करके देख रही थी लाला का, देखा दो पैन पैन दो दांत निकली है, जब मुंह में अंदर में डाली इतने में कृष्ण उनको काट दिए उनके अंगुल को। मैया बोली मेरे अंगुल का छोड़ 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 करके बुक से निकालती है। कृष्ण सबसे पहले जब उनका बोली पहला निकला माँ शब्द निकला सबसे पहले। अब देखना हर माताएं ये माँ शब्द सुनने के लिए तरसती हैं, कब मेरे लाला मेरे को अपना माँ बोले। जो माँ शब्द है ना बड़ा प्यारा शब्द है हैं। देखो माँ बोलते ही मुँह खुल जाता है, खुल जाता है कि नहीं, मतलब खुल जाता मतलब मैया जरूर कुछ खिलाएगी हैं, दूध पिलाएगी वह कुछ खिलाएगी। इसलिए श्री सूरदास जी बड़े सुंदर इसी विषय पर कैसे कृष्ण पहले माँ शब्द बोले उसको बाद में फिर बाबा, पहले माँ उसको बाद में बाबा शब्द सुने। अब रामायण सुने होंगे, रामायण में जिस समय श्री कैकेयी ने राम लक्ष्मण सीता को वनवास में दे दिया, भरत सुन कर के इतने क्रोधित हो गए, अगर प्रभु राम मेरे ऊपर नाराज नहीं होते बोले आज तेरे को मैं कत्ल कर देता, लेकिन प्रभु राम के लिए मैं तेरे को छोड़ रहा हूं, आज से कभी भी मैं तेरे को मां नहीं बोलूंगा। अभी जब रामचंद्र आए अयोध्या में, एक दिन कैकेयी राम के पास में गए, बोले प्रभु राम तुम एक काम कर दोगे लाला? बोले बताओ माता जी क्या क्या बोलना चाहती हो? बोले एक बार तो भरत को बोल दे मेरे को एक बार माँ बोल दे, क्योंकि भरत हर समय बोलता था महारानी कैकेयी, महारानी कैकेयी कोई माँ नहीं बोलता था, उनकी हृदय तरस्त थी कब मेरे को एक बार माँ बोले। बोले एक बार भरत को बोल दे मेरे को माँ बोल दे, बस मैं प्राण पखेर छोड़ दे जा बोल दे। इतने भगवान राम भरत जी को बुलाए, बोले भरत जी एक आदेश पालन करोगे?
बोले प्रभु अभी तक आपने मेरे को कोई आदेश नहीं दिया, इसलिए बोले सेवक चार तरह के, कितने तरह के, पहला नंबर उत्तम कनिष्ठ और मध्यम कनिष्ठ और अधम, कहते ये चार तरह का सेवक है। बोले सर्वश्रेष्ठ सेवक कौन है, बोले बोलने से पहले जो उनकी इच्छाओं को जान करके सेवा कर ले, कहते उनको उत्तम सेवक मानी गई, इसलिए भारत उत्तम सेवक थे। बोले प्रभु आप मेरे को कभी आदेश अभी तक नहीं दिया, अब आदेश देने से पहले ही आपकी आदेश जान करके मैं सारी इच्छाओं को पूरी कर देती थी, इसलिए दूसरा सेवक कौन है, जो बोलने पर हैं बड़े आदर पूर्वक स्नेह पूर्वक जत्न पूर्वक जो पालना करके थी, मध्यम सेवक है। और जो कनिष्ठ सेवक कौन है, कहते आदेश देने पर करते तो है लेकिन तरह तरह का बहाना बना करके करते हैं। और अधम सेवक कौन है, कहते हैं आदेश देने पर भी जो पालन नहीं करते हैं, कहते ये अधम सेवक। इसलिए सेवक का सेवक से स को निकाल दो क्या रह जाएगा, बोले बक, कहते वो सेवक नहीं वो बगुला बक है, बगुला सेवक है, हैं? इसलिए कहते आप तो प्रभु अभी तक मेरे को कोई आदेश ही नहीं दिया, जीवन में पहला बार आप मेरे को आदेश दे रहे हो। बोले प्रभु आपका सारे आदेश को मैं पालन कर सकता हूँ लेकिन एक आदेश में नहीं पालन करूँगा। बोले क्या, बोले ये कैकेयी को कभी मैं माँ नहीं बोल सकता, कैकेयी को मैं कभी माँ नहीं बोल सकता हूँ। इसलिए श्री तुलसीदास जी कहते हैं जिनके प्रिय ना राम वैदेही तज्जिय कोटि वैरी समझ यद्यपि परम स्नेही। इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण सर्वप्रथम माँ, उसके बाद में बाबा, फिर उसके बाद में भैया, तीन शब्द एक दिन में उन्होंने बोले। अभी कृष्ण जब धीरे धीरे बड़े हुए, अभी कृष्ण घर में कभी कभी चलते हैं लेकिन कृष्ण तो भगवान है, लेकिन भगवान के चरण में उन्हें से चिन्ह है। जब कृष्ण घर में कभी कभी चलते हैं उनके चरण में उन्हें से चिन्ह घर में हर जगह पर पड़ा रहता है। इतने में नंद जसोदा कहती हैं लगता है हमारे घर में जो सालग्राम है ना, शायद ये सालग्राम बीच बीच में चलते हैं, नहीं तो ये चरण चिन्ह कैसे, उन्हें से चरण चिन्ह कैसे, लगता है इसी जीवन में हमारी और जन्म नहीं होगा, हम ही भव बंधन से हमारी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि हमारे घर में ठाकुर जी चलते हैं। देखो आज ठाकुर जी को हम खीर गैया घी में बना करके हम ठाकुर जी को खीर भोग लगाएंगे। ऐसे ही कृष्ण बचपन में अगर कभी कृष्ण चंद्रमामा को देखे मचल गए, बोले मैया मेरे को ये चंद्रमामा पकड़ा करके ला दे, ये चंद्रमामा मेरे को दे दे। इतने में जब मचले मैया ने एक थाला में कहते एक थाला में उन्होंने पानी लाए, पानी ला करके उसमें एक मक्खन की डेला छोड़ दी, डेला छोड़ करके अभी चंद्रमा का परछाई पड़ रही है थाली में, बोले लाला देखिए ये चंद्रमामा है, ये चंद्रमामा को ले लो। जब कृष्ण इसे हाथ मारते हैं ना वो हाथ में मक्खन की डेला आ जाती है, बोले यही चंद्रमामा इसको खा ले। इतने में कृष्ण उसको खा लेते हैं। कभी चिड़िया को देख कर बोले मैया ये चिड़िया मेरे को पकड़ा दे। ऐसे ही कृष्ण बचपन में तरह तरह का कृष्ण लीला करते थे। कृष्ण बचपन में एक दिन कृष्ण मैया जसोदा कृष्ण को बड़े सुंदर श्रृंगार करवा दी, बोले लाला तुम दोनों खेलते रहो और मैं घर का काम करती हूँ। अभी कृष्ण बलराम सोच रहे हैं कि जब जब हमारे ऊपर में कोई विपत्ति आती है ना, ये मैया गोमूत्र और गोबर से हम दोनों को स्नान कराती हैं। ये गोमूत्र गोबर में है क्या चीज, पास में गैया बंधे हुए थे, दोनों भैया गए, जितने गोबर और गोमूत्र था वो सब के सब लेकर के सारा शरीर को पोत दिए और दोनों भैया बैठे हुए। इतने में मैया ने देखा कि दोनों दुष्ट गए कहाँ, अभी तो अभी खेल रहे थे। बोले कन्हुआ बलुआ तुम दोनों कहाँ हो, बोले मैया हम यहाँ पर। बोले वहाँ क्या कर रहे हो, देखा सारे गोबर गोमूत्र से सने हुए। मैया तो दोनों को कान पकड़ लिए, बोले चिवरे चोर चोटे क्या तुम लोग, तुम सुकर ऐसी गत पुतनारे, क्या तुम दोनों पूर्व जन्म में सुअर थे, क्योंकि सुअर का काम होता है ये कीचड़ में
लौट पलट खाना स्वर्ग का काम होता है। इतने में फिर मैया ला करके दोनों को स्नान करके फिर उनको श्रृंगार कराती हैं। देखो ये गोबर में इतना शक्ति है, अभी साइंटिस्ट लोग अभी रिसर्च करके ये गोमूत्र गोबर को इससे रिसर्च करके अभी तरह तरह का मेडिसिन बना रहे हैं। ये जो करुणा आई ना, कहता अगर कोई रोज़ गोमूत्र पान करेगा तो उसको कभी करुणा नहीं होगी और कभी जीवन में उसको कैंसर नहीं होगा। देखो हमारे ये बीच में जो भजन गा रहे हैं ना डोरीलाल जी, इनको पूछ लो, सारा जीवन उन्होंने एक गला की बीमारी में उन्होंने कष्ट भोग किया, गला कभी सही नहीं होता था, गरारी करते थे, और क्या किया उन्होंने डॉक्टर को, सारा दुनिया की उन्होंने दवा ले लिया। बचपन से ही मैजिला था मुझे, लेकिन मैं देखता था कभी गड़बड़ हो जाता था, गौमूत्र ने 1.5 साल से शुरू किया तो बिल्कुल समाप्त हो गया। हाँ, इस समाप्त, और पेट का रोग भी है, बड़े बड़े जो बीमारी जो मेडिसिन से सही नहीं होता, इसलिए पहले घर घर में लोग किसकी सेवा करते थे, गो सेवा करते थे, लेते हैं गो सेवा, इसलिए गो सेवा करते हैं सबके सब, यही नियम था ना, घर में घुसते ही पहले क्या रहती थी गैया, हर घर घर में प्रवेश करते ही हर घर घर में गैया रहते थे, लेकिन अभी घर में घुसना गैया नहीं कुत्ते रहते हैं। कौन रहते हैं अभी, गैया को पालन नहीं करते हैं और कुत्ते को लेकर के घुमाने के लिए जाते हैं। हाँ, और कहते हैं कुत्ते हैं, कुत्ते का हम मालिक हैं, कुत्ते कुत्ते का वो मालिक ना, कुत्ता का कुत्ता उनका मालिक है, उनको पायखाना कराने के लिए ले जाओ, पेशाब कराने के लिए ले जाओ, उनको खिलाओ, गाड़ी में उसको बैठा करके ले जाओ, बताओ बताओ उसमें मालिक कौन हो गया, नौकर कौन हो गए। इसलिए कुत्ता हो गया मालिक और ये हो गए नौकर। भरत महाराज जी, अब कल कथा सुन रहे थे ना, नवीन प्रभु बोल रहे थे, अंतिम समय में भरत महाराज इतने साधन भजन किया और लास्ट में उन्होंने एक हिरण का प्रति आसक्ति हो गई, फिर क्या हुआ दूसरे जीवन में उनको हिरण जन्म में जाना पड़ा, हिरण बनकर गए। अगर हम कुत्ते को भरण पोषण करेंगे पालन करेंगे फिर क्या होगा, अंतिम समय में कुत्ते को याद आया तो फिर क्या बनोगे बोलो, कुत्ता कुत्ता बनोगे। इसलिए पालन करे तो किसको पालन करो, गैया को, गो माता को पालन करनी चाहिए। बोले श्री गो माता की, बोले श्री सनातन धर्म की। इसलिए कहते जो व्यक्ति गैया की पूजा सेवा करते हैं उनको शरीर में 33 करोड़ देवा देवियों का निवास होता है। गो सेवा से घर में लक्ष्मी बढ़ती है, हैं? अभी धीरे 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 जमीन का जो उपजाऊ धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, क्यों, ये अंग्रेजी जितना सब सार अभी यूज करते हैं। पहले हर घर घर में गैया होती थी, आप गैया की गोबर से आप खेती करो, सारा जीवन जब तक रहेगा तब तक खेती से उपजाऊ होती रहेगी, लेकिन अभी धीरे 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 उपजाऊ धीरे धीरे घटते हुए जा रहा है। कारण यही है, एक एक उसमें मिट्टी को अंदर में एक एक कीटाणु होते हैं और वो जो रासायनिक जो सार देते हैं उसे खत्म हो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, हाँ केंचुआ होते हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे वो खत्म होते जा रही हैं, इसलिए उपजाऊ भी धीरे 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 कम हो रहा है। इसलिए गोपालन से बड़ा लाभ, इसलिए आज भगवान खुद ये गोमूत्र गोबर में क्या शक्ति है, हैं? इसलिए साइंटिस्ट लोग कहते हैं आँखों में जिनकी कमजोर है ना, कहते गोमूत्र डालो आँखों में, आँखों को गोमूत्र से धोया करो, आँखों में कभी कमजोरी कभी नहीं आएगी, कमजोरी उसमें इतने शक्ति। और एक गिरी गैया होता है उसका मूत्र तो अमृत है, हाँ उसका मूत्र ये अमृत है। इसलिए आज भगवान स्वयं गो सेवा, स्वयं भगवान का नाम गोपाल, गोपाल नाम क्यों है, गो मतलब गैया को जो पालन करने वाले ये श्री गोपाल हैं। ऐसे ही कृष्ण बचपन में बड़े सुंदर सुंदर ठाकुर जी लीला कर रहे थे, एक दिन ठाकुर जी ब्रह्मांड घाट में पहुँचे, सोच रहे हैं जो कोई ब्रज में आए एक चीज की प्रार्थना करते हैं, राधे तेरी चरण की ब्रज धूल जो मिल जाए। प्रभु जी गालो भजन को, हमारे बहुत पुराने पुराने भजन
प्यारी परम उदार बन विनोद सुखकार में रसकन प्राण राधे तेरे चरणों की गर्भूले जो मिले Yeah.
Oh,
राधा रानी की। भाई लास्ट कितना रह गया। जय जय श्री राधे।
भगवान एक दिन ये ब्रज रज की महत्व का समझाने के लिए उन्होंने मिट्टी खा लिया। सखाओं ने मैया से शिकायत की, मैया सीधा कर कान पकड़ लिए, बोले चिमरे घर में क्या मक्खन मिश्र की कमी, तुमने मिट्टी कैसे खाई। इतने में कृष्ण तो सफेद झूठ बोल दिए, बोले मैया ना अहम भक्षितवानम भो सर्वे मिथ्या भी संसिनम। बोले मैया ये जो जितने सखा है ना सब झूठ बोलते हैं। बोले तू एक है सत्यवादी हरिश्चंदा सब झूठे। बोले हाँ मैया। बोले आज कहा भयो तेरे को पता है। बोले कहा भयो। बोले हम दोनों आपस में कुश्ती लड़ रहे थे और हमने सबको परास्त कर दिया, मेरे साथ में कोई जीत नहीं सके। सोचा कैसे कृष्ण को मार कैसे खिलाया जाए, और इन लोगों ने मेरे नाम पर झूठ मूठ को शिकायत कर दी। बोले और कहा भैया तेरे को पता। बोले क्या है। बोले ये घर से लड्डू कचौड़ी मालपुआ चोरी चोरी करके लाते। मैया तेरे को पता है मैं कभी चोरी का चीज खाता हूँ। मैया बोले अच्छे तरह से पता तू क्या करता नहीं करता, इसलिए मेरे को जोर जबरदस्ती खिलाने लग गया, मैंने खाया नहीं। समझ गए ये तो घर में शिकायत कर देंगे, और मैंने शिकायत करने से पहले मेरे नाम पर ये लोग शिकायत कर दिए, और तू बड़ी भोली भाली इनकी बात में जल्दी आ जाती हो। लेकिन मैया को तो पता अपना बचका करतूत। मैया बोली कृष्ण बोले मैया अगर मिट्टी खाए तो मुंह से। बोले हाँ। बोले तू मेरे मुंह खोल कर देख ले। मैया तो एक धमकी लगाई सीधा मुंह खुल गई, और मैया ने अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को उनको मुंह में देख लिया। कारण क्या। बोले कारण ही कृष्ण ने देखा मुंह में मिट्टी है, अगर मिट्टी मुंह में देख लिया, एक हाथ में डंडा एक हाथ में कान पकड़ के रखी, एक डंडा नीचे नहीं गिरेगा। अभी योग माया इच्छा शक्ति ने देखा अगर मैं रहते रहते मेरे प्रभु अगर पीट गए तो फिर तो मेरा बदनामी हो जाएगा, इसलिए उन्होंने क्या किया कि विश्व ब्रह्मांड को दिखा दी। इतने में मैया तो डर गई, मैं क्या अलाई बलाई देख रही हूँ, हो ना हो मेरा बेटा तो भगवान नहीं। जब इतने सोचने लग गई कृष्ण से, फिर गड़बड़ी हो गई। अगर मैया को पता चलेगा मैं भगवान हूँ, जैसे सालग्राम के लिए छोटा सा मंदिर बनाए, मेरे लिए भी छोटा सा मंदिर बनाएंगे, और थोड़ी सी बातास नहीं तो चीनी भोग लगा करके तमे व माता च पिता तुम्हें उतर के हाँ घंटा हिला करके मेरे को बंद कर देगी, फिर जो लीला कर रहा हूँ लीला नहीं होगा। इतने में उनको इच्छा शक्ति योग माया ने सब कुछ उन्होंने अंतर ध्यान कर दिया, देखा वही छोटे सी मुँह है। इसलिए भगवान यहाँ पर क्या झूठ बोले, भगवान तो सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य, भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं। लेकिन आज भगवान झूठ कैसे बोले, बोले मैंने मिट्टी नहीं खाई, झूठ कैसे बोले। श्री हमारे वल्लभाचार्य कहते बोले भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इसमें जो एक संस्कृत शब्द है ना अहम भक्षितवानम भो, ये शब्द का जब हम अलग करते हैं होता है ना अहम, मतलब मैं नहीं, लेकिन जब इसको एक कर देते हैं ना होता है ना हम। ना हम का एक मतलब होता है ये ब्रह्मांड। बोले मैया तुम मिट्टी क्या 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 बात करती हो, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को मैंने खा करके रखा, तेरे को विश्वास नहीं हो रही है, तू देख ले हैं। इसलिए भगवान यहाँ पर विराट रूप दिखाया मत मैया जसोदा को, इसलिए वो घाट का नाम है ब्रह्मांड घाट। एक दिन कृष्ण को अलग कर दिया सखाओं ने, दाऊ भैया को भी साथ में ले लिया, बोले आज कृष्ण को चिढ़ाएंगे, और सखा एक तरफ और कन्हैया को अकेला कर दिया, हा 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 कर हंसने लग गए। कृष्ण देखा क्या हो गया, ये मेरे को अकेले करके ये जोर जोर से ठाल लगा कर हंस क्यों रहे हैं। कृष्ण ने कहा भैया क्या बात करो क्यों हंस रहे हो। बोले जानते हो कहा भैया। बोले क्या है। बोले नंद गोरे जसोदा गोरी, तू कहाँ से काला कल उठा गया है। इसलिए अगर पिता माता गोरे होते हैं बच्चा कैसे होगा, गोरा होगा, इसलिए तू गोरे कैसे हो, तू काला कैसे। बोले कैसे। बोले किसने तेरे को जन्म देकर ना ये कोई फेंक करके चला गया, और तेरे पिताजी ब्रह्मांड घाट में आए थे स्नान के लिए, और उनको तेरे को उठा करके लेकर के पालन कर रहे हैं, इसलिए तू काले हो। लेकिन जब तक दाऊ भैया नहीं बोलते हैं ना तब तक विश्वास नहीं करते हैं। बोले दाऊ ये क्या सच कह रहे हैं। सखाओं ने दाऊ को भी अपना तरफ कर दिया, बोले हमारा हाँ में हाँ मिला दे। बोले और क्या। इतने में कृष्ण को इतना दुख, कृष्ण इतना दुखी हुए, रो रो करके माँ के पास में गए और जमीन पर लोट पोट खाने लग गए। मैया बोली लाला कहा बात है, जितने गोद में लिए ना
और एकदम प्यार खिसक खिसक करके प्यार को नीचे आ जाते हैं और रो रहे हैं। बोले लाला बताओ तो बात किया, बोले मैं तो तेरे लाला है ही नहीं, मेरे को तो कहाँ से उठा करके तू लालन पालन कर रहे हो। बोले किसने कहा? बोले सखाओं ने। बोले तुम ये सखाओं को बातने में क्यों आते हो, ये तेरे को हर समय चिढ़ाते रहते हैं। इतने में मैया यशोदा ने लाला का सर पर हाथ रख कर कसम खा कर कहते, बोले नहीं लाला तो मेरा ही लाला हो। अभी प्रश्न है फिर कृष्ण काले कैसे, कहते जो मैया जसोदा है ना वो श्यामल वर्ण की थी, वो गोरी नहीं थी। अगर माँ की रंग अगर बेटे में आए वो बेटे को सौभाग्यवान मानी जाती है, अगर पिताजी का रंग बा उनको स्वभाव अगर आए लड़की में वो लड़की को सौभाग्यवान मानी जाती है। इसलिए कृष्ण की जो माँ जसोदमती वो थी श्याम रंग की थी, वो गोरी रंग की नहीं थी, इसलिए कृष्ण श्याम रंग के बने। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे। हरे कृष्ण। आज हमारे बीच में राहुल प्रभु जी, वो एक थोड़ी सी कुछ कथा सुनाएंगे, ये ब्रह्मा विभन की लीला सुनाएंगे, कैसे ब्रह्मा स्वयं खड़े हो जाए फटाफट जल्दी जल्दी बोलना, इसलिए कैसे ब्रह्मा जी कैसे मुग्ध हो गए थे इस विषय पर उन्होंने थोड़ी सी प्रकाश डालेंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। सुखदेव जी की जय। नमो विष्णु पादाय कृष्णप्रेष्ठाय मोदिलेश केशव प्रभुनाथ कृष्ण गुरुदेव मंगलनामे सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव ओम पाद को कसर श्री श्रीमद भक्तिमान गुरुदेव महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि साक्षात धर्म प्रणाम करता हूँ। उसके पश्चात अपने गुरुक्रम गुरुदेव जैन प्रेलापति पाद श्री श्री कमल मन कोटि साक्षात धर्म प्रणाम कर उपस्थित समस्त वैष्णव श्री सभी को मेरे से होकर प्रणाम करता हूँ। अभी गुरुदेव का आदेश निकाल आता नहीं, मैं क्या बनाऊ कोशिश करूंगा, कुछ गलतियों तो सभी क्षमा कर देना। गुरुदेव जिस कथा को बोलने को कह रहे हैं वो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के 13वें अध्याय की कथा है, जब भगवान श्री कृष्ण अघासुर का वध कर देते हैं और उसमें जो अंदर जो पाल गोपाल गए थे उन सबको उद्धार करके बाहर ले आते हैं, तो उनको सब जीवित कर लेते हैं जब, तो उनको वे घुमाने के लिए यमुना नदी के किनारे ले आते हैं और उनको वो लीला पता नहीं होती कि वो अघासुर का वध किस प्रकार हुआ, कैसे मरा, हम कैसे भाग आए और कैसे जीवित हुए। तो भगवान उनको अपनी बातों में लगाकर यमुना किनारे ले आते हैं और कहते हैं कि अब दोपहर का समय हो गया है और भूख का समय हो गया है, जो जो भी सब सामान लाए हो वो खोल लो और हम सब बैठकर उसको खा लेंगे और जो बछड़े हैं इन सबको जंगल में छोड़ दो, ये सब भी अपना पेट भर लेंगे। तो उस समय भगवान जब सब साथ बैठते तो सब कुछ ना कुछ लाए थे, सब खाने लगे, तो भगवान तो गुरुदेव तो बताते हैं कि वे सब एक दूसरे के साथ इतने घुले मिले थे कि एक दूसरे का झूठा खाते थे, भाई तू ला क्या लाया, तू भी दिखा क्या लाया, तू भी दिखा, भगवान सबसे पहले पूछ लेते हैं सबका। तो ये सब लीला ऊपर से देवता देख रहे थे और ब्रह्मा जी भी देख रहे थे। तो उस समय ब्रह्मा जी अपने जो परिकर थे उनके साथ आकाश में भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पर अघासुर को मरा हुआ देखा तथा उसका उद्धार होते हुए देखा। तो उनका परिकर वे अपने परिकर से पूछ रहे हैं इसका वध किसने किया और इसका उद्धार कैसे हो गया। तो परिकर कहता है ये जो नीचे भगवान श्री कृष्ण ने, मतलब भगवान श्री कृष्ण ये कैसे हुआ, ये तो देखो झूठा खा रहे हैं, तो भगवान ऐसे झूठा या इस तरह से कैसे कर रहे हैं, तो उनका ये बात सत्य है। तो फिर ब्रह्मा जी अपने परिकर को कहने लगे कि मैं भी उनकी ऐसी और लीला देखना चाहूंगा। तो उस सबने परिकर से कहा कि आप मेरा साथ होना। तो जब भगवान भोजन कर रहे थे तो भोजन करते करते काफी देर हो गई, तो इस तरफ जो उन्होंने जो उन्होंने बाल बछड़े खुले हुए छोड़े थे वे जंगल में काफी दूर निकल गए। भोजन करते करते जब उन्हें ध्यान आया कि हमारे बछड़े वगैरह कहाँ हैं, तो उन्होंने ध्यान दिया दूर निकल गए। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे तुम सब लोग बैठो भोजन करो, मैं उनको ढूंढ कर लाता हूँ। जब वे उनको ढूंढने गए जंगलों में तो इधर ब्रह्मा जी ने क्या करा, उन बाल गोपाल को छुड़ा लिया और ले जाकर एक गुफा में छुपा दिया, सिर्फ ये जानने के लिए भगवान की
लीला कैसी है, क्या है, यही भगवान है। तो जब वो चले गए भगवान उधर जंगल में जा रहे थे अपने बछड़ों को ढूंढने के लिए, जब बहुत देर तक ढूंढने के बाद ये बछड़े मिले तो भगवान पे घूम फिर कर इधर यमुना किनारे पे आए। यमुना किनारे आकर देखा तो वे वहाँ से बाल गोपाल भी गायब हो गए। तो भगवान अब उनको भी ढूंढने लगे, जब भगवान उनको ढूंढने लगे तो वे भी कोई नहीं मिले। तो जब परेशान हो गए तो भगवान ने अपना ध्यान लगाया तो एक तो उनको पता चल गया कि ये सब ब्रह्मा की करतूत है और उसने ये मेरे लीला को जानने के लिए ये सब किया है। तो जानने के लिए क्या है, तो भगवान कहने लगे जब उसे इतनी जरूरत थी डायरेक्ट मेरे साथ मिल लेता, ये सब करने की क्या जरूरत थी उसको। तो भगवान ने ब्रह्मा जी ने उनको ले जाकर उस गुफा में छुपा दिया। जब गुफा में भगवान ने उनको ब्रह्मा जी ने उनको छुपा दिया और वे छुपा के अपना चले गए ब्रह्मलोक में। तो अब भगवान कहने लगे कि भगवान ने जैसे वे बाल गोपाल थे वैसे ही के वैसे ही अपने शरीर से तुरंत प्रकट कर दिए, क्योंकि ये सारा विश्व कृष्णमय है, उन्हीं से बना है, उन्हीं के अंदर है, सारा कुछ वे ही है। तो उन्हें ज्यादा देर नहीं लगी वैसा का वैसे ही दोबारे बनाने में, जिसके जैसे कपड़े थे वे कपड़े, जो मुरली लगाया था मुरली, जैसे भी कपड़े थे, जैसा भोजन था बछड़े गाँव के, सब कुछ वैसे के वैसे ही प्रकट कर दिए। और वे इतने सुंदर लग रहे थे कि जो उनका पहले से माधुर्य थी वो और भी मधुर लग रही थी। जब वे सब भगवान के साथ शाम के समय संध्या होने पर वे सब घर आए तो भगवान कृष्ण मुरली बजाते हुए आ रहे थे। उनकी मुरली की धुन को सुनकर सभी ब्रज की माताएं ब्रज के कोने पर आ गई और वे देखने लगी कि सभी बाल गोपाल आ गए हैं। और जब वे उनको देख रही थी तो उनको सभी माताओं को अपने बच्चे पहले से और भी ज्यादा सुंदर लग रहे थे। जो उनको प्रेम कृष्ण को दर्शन करके जो प्रेम मिलता था वही आनंद उनको अपने बच्चों का दर्शन करने पर भी मिल रहा है। जब ये देखकर हुआ तो उनको आनंद है, इस बात को वे समझ नहीं पाए। पहले तो वे अपने बच्चों को डांट गई थी कि यहाँ पे तू कपड़े गंदे कर लाया, वो कर लाया, ऐसा नहीं देर से क्यों आया, धमका दी थी। पर अब क्या हो रहा है, वे उनको गोदी में उठाकर इतना प्यार कर रही है, इतना प्यार कर रही है कि इससे पहले भी उनको प्यार नहीं कर पाई। और भगवान कृष्ण भी उनके साथ वैसे व्यवहार कर रहे हैं कि जैसे वे उनके बच्चों को बिल्कुल पता नहीं चल दे रहे कि मैं कृष्ण हूँ। तो इसी प्रकार करते करते भगवान डेली ये करते थे, सुबह चले जाते शाम को आते थे। और ब्रज में इतना आनंद बढ़ रहा था, इतना आनंद बढ़ रहा था कि जिन ग्वाल बालों ने अपनी माँ का दूध पीना बंद कर दिया था वे मैं उन ग्वाल बालों को भी अपना दूध पिलाने लगे थे, उनके अंदर इतनी ममता आ चुकी थी। तो ऐसे ही गायों के साथ था कि अपने बछड़ों को देखकर गायें भी बिना दोहन के ही तो अपने स्तनों से दूध दे रही थी और अपने बच्चों को इस तरह चाट रही थी जैसे कि इन्हें पूरा पूरा अभी खा लेगी, इतना उनको प्रेम हो रहा है। ये सब लीला करते करते भगवान को एक वर्ष बीत गया। जब एक वर्ष खत्म होने से कुछ ही दिन पहले एक दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव जी सभी साथ जा रहे थे तो बलदेव प्रभु ने एक पहाड़ की चोटी से देखा कि ब्रज में ये लीला इतने दिन से चल रही है कि कोई भी गुस्सानी, कोई भी माँ अपने बच्चे को नहीं डांट रही या कोई भी गाय अपने बछड़े को दूर नहीं भगा रही, वे सब उनसे इतना प्यार कर रही हैं, सब उनसे इतने प्रेम से रह रहे हैं, ये सब हो क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पहले क्या होता था सब डांटते थे, तो जब उन्होंने ध्यान लगाया तो उनको भी सभी जगह भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। तो ब्रह्मा जी की बात तो छोड़ दो, जो स्वयं उनके सेवा रूप हैं गुरुदेव ने बताया ना उनके आईने से प्रकट है बड़ों से, वे भी उनकी लीला को समझ नहीं पाए, पर ध्यान लगाने से उन्हें सब ये ज्ञात हो गया। पर ये सब लीला भगवान ब्रह्मा जी को ये समय भी तो इतना समय हो गया तो देखा मैं देखता हूँ नीचे क्या हो रहा है। तो जब उन्होंने नीचे आकर देखा तो वे सभी बाल गोपाल उनको ऐसे के ऐसे ही दिखे। जब ये सब बाल गोपाल उनको ऐसे के ऐसे दिखे तो वे आश्चर्य पड़ गए कि ये क्या हो रहा है। तो वे जैसे ही ये देखने के लिए वापिस जाने लगे मैं अपने वहाँ देख पाता हूँ तो भगवान इतने में ही अपन ब्रह्मा जी का स्वरूप बनाकर ब्रह्मलोक में पहुँच गए। और ब्रह्मलोक के जो द्वारपाल थे उनसे कह दिया कि एक मेरे जैसे ही वेश धारण करके
एक नकली ब्रह्मा इस ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहा है, अगर वो आए तो आप उसको अंदर आने मत देना, मैं अंदर जा रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने कहा जी ठीक है प्रभु। तो इसी प्रकार करके जब ब्रह्मा जी वहाँ पहुँचे तो उनको उन्होंने रोक लिया कि आप अंदर कहाँ जा रहे हो। तो कह रहे मैं अपने जा रहा हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ। तो कहते तुम कैसे ब्रह्मा, ब्रह्मा जी तो अंदर है, तुम नकली हो, हम जानते हैं, हमारे पास पहले से ही खबर आ चुकी है, आप नहीं जाओ नहीं हम आपको गिरफ्तार करके अंदर डाल देंगे। तो ठीक है जो ये अपना विस्मित है कि ये क्या करे, लोग अच्छा तो मैं अंदर जाके देखता लूँ, मैं अंदर जाकर देखता लूँ। तो उन्होंने अंदर जाने तो दिया नहीं, उन्होंने कहा बाहर से देख सकते हो। तो उन्होंने थोड़ा सा झाँक कर देखा तो अंदर साक्षात भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी का रूप धारण किए हुए बैठे थे, क्योंकि वे तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक है, कुछ भी अपना रूप धारण कर सकते हैं। तो जब ये लीला देख के भगवान ब्रह्मा जी फिर नीचे आए, तो इसी समय में फिर एक वर्ष और बीत गया। तो जब ये बीत गया तो ब्रह्मा जी ने आकर देखा कि वे ही श्री कृष्ण भगवान नीचे फिर लीला कर रहे हैं। तो वे समझ गए कि यही परमब्रह्म भगवान श्री कृष्ण हैं, जो मेरे बाप के भी बाप हैं। तो इस प्रकार उन्होंने उनको दर्शन किया, और जब दर्शन किया तो वे उनका अपनी गलती क्षमा याचना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बिल्कुल जैसे एक डंडा होता है डंडा, और डंडे को छोड़ दो तो वो एकदम से गिरता है, जैसे धीरे से नहीं गिरता, तो इस स्पीड से वे एकदम भगवान के चरणों में गिरे और अपने चारों मुंह से ही घूम घूम कर वहाँ प्रणाम करे। जिस स्थान पर उन्होंने वे चार मुंह से घूम कर प्रणाम किया उस स्थान का नाम है चौमुआ, जो अभी ब्रज मंडल में स्थित है, आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। तो भगवान उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहे, जब वे प्रणाम कर रहे थे बिल्कुल भी उनकी तरफ नहीं देख रहे, वे अपने ग्वाल बालों के साथ प्रसन्न है। उन्होंने भगवान की बहुत सुंदर सुंदर स्तुति करी कि भगवान किसी प्रकार मुझे क्षमा कर दे, बहुत सुंदर सुंदर गान गए, क्योंकि वे तो साक्षात सभी वेदों को जानते हैं, सभी वेदों को जानने वाले हैं। पर भगवान ने उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। भगवान ने उनकी तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया, क्योंकि उन्होंने जिन बाल भक्तों के साथ खेलते थे, उनके साथ लीलाएं करते थे, उन्होंने उनसे अलग कर दिया। पर उनके उनसे अलग करने पर भगवान उनसे बहुत ज्यादा रुष्ट थे कि तुमने ऐसा क्यों किया। पर जिन बाल गोपाल को उन्होंने उनसे रुष्ट किया था, भगवान फिर वो ब्रह्मा जी उनकी फिर स्तुति करने लगे। जब उन्होंने उनके जो बाल गोपाल हैं, गोपियाँ हैं, ब्रजवासी हैं, उनकी महिमा का गान करना स्टार्ट करा, तो भगवान थोड़े से मुस्कुराए। जब हल्के से बहुत मामूली से बस क्षण भर में ही मुस्कुराए थे, उसी क्षण में ब्रह्मा जी भगवान की चार परिक्रमा करके तुरंत वहां से चले गए। बोलो श्री कृष्ण जी की जय। हरे कृष्ण, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज देखो कथा को ना प्रैक्टिस करनी चाहिए, जितने हम भगवान की कथा को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे हम बोल सकते हैं। बोले प्रैक्टिस कैसे करें, चिराग को कुछ लोग कैसे प्रैक्टिस करता था, वो बोलता था सामने जो गोपाल है ना, इसको सामने मानो मेरी कथा को गोपाल जी सुन रहे हैं भाव से, वो क्या करता था कथा सुनाता था गोपाल जी को, कहते ऐसे बोलते 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 बस भक्ता बन जाते। क्या बोला गोपाल जी को, घर में बैठा करके रोज एक भगवान की कथा को, एक कथा को पूरा सुनाया करो। हैं दुनिया की बात तो हम बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन भगवान की बात बोलो मुँह से बोली नहीं निकलती, इसलिए उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए, घर में प्रैक्टिस करनी चाहिए, नहीं तो जिसको देखो उसको भगवान की कथा सुना। ओम ज्ञानंदन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमान् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी नामिने सर्वप्रथम अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तुत श्रीमान् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंड ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षक गुरुदेव भक्ति वेदांत श्री गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंड ज्ञापन करते हुए उपस्थित ब्रजवासी हमारे गौरीलाल प्रभु जी के चरणों में एवं ब्रह्मचारियों के चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम है। उसके उपरांत समस्त ब्लॉक के भक्तवृंदों के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंड प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण के मधुर मधुर लीला ब्रज के अंदर चल रही है। श्री कृष्ण भगवान जो
अभी अघासुर को आपने श्रवण किया रावण प्रभु जी से, अघासुर को खेल खेल के भी मारा। कंस एक से बढ़कर एक दैत्य भेज रहा चंदन, जो भी दैत्य जाता तो था आता नहीं था, और उसकी चिंता, कंस की चिंता बार बार बढ़ रही थी कि मैं इतने असुर भेज रहा हूं, भूतना शक्तासुर अघासुर जिसको भेजता हूं वो जाकर के पता नहीं उसे क्या होता, प्राण जाते हैं। अघासुर एक अजगर का रूप धारण करके नीचे अपना नीचे की ठोड़ी वाला मुंह लगा करके और ऊपर का मुंह ऊपर आसमान में उसने खुला हुआ रख करके खड़ा किया था। बच्चों ने देखा कि ब्रज के अंदर ये कहां से इतनी सुंदर गुफा आ गई, और बच्चे खेलते कूदते उछलते घूमते वहां उस गुफा के अंदर प्रवेश कर गए, और वहां प्रवेश जब कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण पीछे से इशारा कर रहे थे कि सखाओ उधर ना जाओ। लेकिन बच्चे तो बड़ा ही आश्चर्यचकित हो रहे थे, ऐसी गुफा ब्रज के अंदर कहां से प्रकट हो गई, और वे दौड़े दौड़े उसमें प्रवेश कर गए। प्रवेश जब उन्होंने किया तो देखा कि जब अघासुर ने अपनी जीवा को ऐसे फैलाया हुआ था जैसे सुंदर कालीन, और जब अंदर प्रवेश किया तो अघासुर क्या खाता है, अजगर है बहुत बड़ा, मांस पशु इत्यादि खाता है, तो मुंह से गंध निकल रही है। तो वो अंदर जा रहे हैं, बच्चे और आपस में बात कर रहे हैं, अरे ये कैसी यहाँ पर दुर्गंध सी आ रही है, तो दूसरा कहा दुर्गंध नहीं है, ये तो जैसे योगी लोग कुछ यज्ञ हवन करते हैं उसकी सुगंध आ रही है, दूसरा उसको समझा। इस तरीके से सारे के सारे जब सखा अंदर प्रवेश कर गए तो कृष्ण भगवान ने देखा कि तो सभी अंदर इस असुर के अंदर प्रवेश करके मुझे भी जाना है, तो भगवान श्री कृष्णचंद्र ने भी दौड़ करके अघासुर के मुंह में प्रवेश किया, और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने प्रविष्ट हुए तो अघासुर बस इसी इंतजार में था, उसने एकदम अपना मुंह बंद कर, जब बंद किया तो सारे के सारे सखा अचेत अवस्था में हो गए, और भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरीके से वो उनको गटकना चाह रहा था गले पर ही अपना रूप बढ़ाना प्रारंभ किया, और इतना बढ़ाया कि उसकी सांस रुक गई, और जो उसे बढ़ाया तो दोनों आंखें जैसे रसगुल्ला होते हैं ऐसे आके बाहर गिरी और वो फट गया। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। फिर सखाओं को ला करके ये जो विराल प्रभु ने लीला सुनाई वो भी, उसके उपरांत इस प्रकार की लीलाओं को समस्त गोपी समस्त ब्रजवासी सुन करके कीर्तन किया करते थे, और कीर्तन करते करते एक बार ऐसे ही ब्रज के अंदर एक असुर आया बैल का रूप धारण करके वृषभासुर, और वहां पर बछड़ों में जाकर के वो मिल गया। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने पहचान लिया कि ये जो है असुर है, और वो निश्चित तौर से जो है बलराम और कृष्ण का वध करने के लिए आया, और वो वृषभासुर जिस प्रकार से कृष्ण जब समक्ष आ गए तो एकदम टक्कर मारने के लिए उद्यत हुआ, तुरंत भगवान ने उसके दोनों जो है पैर पीछे के पकड़ करके उसको जोर जोर से घुमा घुमा करके पटक दिया और उसका अंत हो गया। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जब इस वृषभासुर को मारा और राधा रानी और गोपियों से मिलने के लिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र गए तो उन्होंने कहा कि हम जो नरकगामी व्यक्ति है जिसने गोवंश की हत्या की वो नरक जाएगा, उससे हमारा क्या वास्ता, हम उससे क्या मिलन करेंगे, हम उसको अपना दर्शन भी नहीं देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर सुंदर तरीके से समझाने का प्रयास किया, अरे मैंने तो असुर को मारा और वो असुर हम सबको ब्रजवासियों को मार देता यदि मैं उसका अंत नहीं करता। तो राधा रानी कहती हैं था वो वृषभ बैल था, गौवंश को आपने मारा है, हम नहीं जानती वो असुर था क्या था, तुम्हें क्रोध आया तुमने एक बैल को मार दिया, हम इतना जानती है बस। अब तो समझ में नहीं आया भगवान श्री कृष्ण क्या करें, तो क्या करूं, क्या पश्चाताप होगा गोवंश को,
तो जो पाप लगा है मारने का उसका क्या पश्चाताप हो सकता है। तो गोपियों ने कहा कि तुम समस्त तीर्थों में जाकर के स्नान करके आओ, जितने भी पृथ्वी में तीर्थ हैं उधर जा जा करके डुबकी लगाओ और गो माता से प्रार्थना करो, गंगा यमुना से प्रार्थना करो, स्नान करके आओ तब ताकि तुम्हारी शुद्धिकरण होगा। अब तो श्री कृष्णचंद्र ने कहा इतना समय लगेगा, सब जगह स्नान करता फिरूंगा, अभी एक काम करता हूँ सभी तीर्थों को यहीं बुला। उन्होंने एक एडी का प्रहार किया तो आप सबने देखा राधा कुंड और श्याम कुंड, तो श्याम कुंड वहां पर बन गया। उन्होंने श्याम कुंड की और समस्त तीर्थों को वहां पर आह्वान किया, समस्त तीर्थ वहां मूर्तिमान होकर के प्रकट हो गए और भगवान चंद श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में नतमस्तक होकर दंडवत करके प्रणाम करके कहने लगे हे प्रभु हमारे लिए क्या किया। कहा तुम जो है अपना सुंदर जल इस कुंड में जो है अवतरित करा दो। सबने आज्ञा मानी और सबके सब जो श्याम कुंड में प्रविष्ट हो। अब तो गोपियां एकदम से चिढ़ गई। देखो इस तरीके से बड़ी विनोद वाली लीलाएं हैं गोपियों में और कृष्ण में इस प्रकार की लीलाएं होती हैं कि वो कुछ हट करते हैं और ये गोपियां उनसे बढ़कर हट कर जाती। अब यहां पर राधा रानी ने सोचा जब ये कुंड बना सकते हैं तो हम भी बना सकते हैं। उन्होंने कहा चिंता नहीं करो, इन्होंने जो है श्याम कुंड बनाया बड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाया, देखा होगा आपने वो चकोर भी नहीं है, वो पैर के आकार की तरह इस तरीके से कभी ध्यान से देखेगा तो चरण के रूप में। तो राधा रानी ने कहा मैं सुंदर कुंड बनाऊंगी और उन्होंने अपना कंगन निकाला और उसको खोदा उसके बगल में ही और वो सुंदर कुंड जो बना वो है राधा कुंड। बोलो राधा रानी की जय। राधा कुंड की जय। अब कुंड तो अत्यंत सुंदर स्वर्ण कुंड लेकिन जल कहां से आएगा। तब उन्होंने कहा तुम एक काम करो, श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं हे गोपियों तुम क्यों परेशान होती हो, मेरे कुंड में बहुत सारा जल है इसको ले लो। तो नहीं हम जो है जल नहीं लेंगे यहां से, हम लोग मानसी गंगा से जल लेकर आएंगे। सबने अपने अपने मटके उठाए और कीर्तन कर रही है गोविंद का ही और गा रही गाते गाते क्या कर रही है जा रही है मानसी गंगा और वहां से जल भर करके लाने का जैसे ही प्रयास किया तो भगवान श्री कृष्ण ने रास्ता रोका, कहा अरे गोपियों क्यों इतना श्रम करती है, जब यहाँ पर समस्त तीर्थ मैंने मंगाए हुए बुलाए हुए इनको मैं अभी आदेश देता हूँ और अभी तो मेरा ये सुंदर कुंड फिर से बढ़ जाएगा। सारे के सारे तीर्थों को भगवान ने जरा सी प्रभुति दिखाई, थोड़ा सा उनको डराया तो सारे सारे रत्न के चरणों में नतमस्तक हो गए, दंडवत प्रणाम किया और राधा रानी से कहा हे महारानी हे ब्रज की ईश्वरी आप हम पर प्रसन्न हो और हमें अपने कुंड में विराजमान होने दें और हम आपकी नित्य सेवा करेंगे। तो वहां पर जब राधा रानी प्रसन्न हुई और राधा कुंड में वो जल जो है वहां प्रवाहित हुआ, बीच में से अपनी मुरली से भगवान श्री कृष्ण ने राधा कुंड और श्याम कुंड में एक रास्ता बना दिया जिसे नालिका बोला जाते, उसमें से दोनों का जो है संगम हुआ। बोलो राधा कुंड श्याम कुंड की। इस तरीके से सुंदर सुंदर ब्रज की लीलाएं हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो है अन्य जो महाराज जी ने बताया राधा रानी की जो कंप्यूटर गोपी है वो है चंद्रावली, चंद्रावली के निकुंज में जाकर के उनके पास मीठी मीठी बातें करने लगे। चंद्रावली ने कहा हे प्रभु आप इधर आके विराजमान हो जाइए। अब देखो भगवान श्री कृष्ण समस्त गोपियों के पास जाते तो हैं लेकिन चिंतन हमेशा राधा रानी का होता है क्योंकि राधा रानी का जो प्रेम है वो सुमेरु पर्वत के समान और अन्य जितनी भी गोपियां हैं उनका प्रेम राई के दाने के बराबर, तो कहां राधा रानी और कहां गोपियां। लेकिन गोपियां राधा रानी की अंश स्वरूपा है और श्री कृष्ण के अंदर अनंत प्रकार की इच्छाएं प्रकट होती है, उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ही राधा रानी ने अन्य जितने भी गोपियां करोड़ों रूपों में अपने आप को प्रकाशित किया जिससे भगवान श्री कृष्णचंद्र की समस्त इच्छाओं को समस्त इंद्रियों को जो है आनंद प्रदान कर सके सेवा कर सके। तो चंद्रावली के पास ही गए तो उन्होंने कहा आइए आप विराजिए। तो चिंतन किसका कर रहे हैं कृष्ण भगवान, राधा रानी का। उनके मुंह से क्या निकला हे राधे मैं इधर ही ठीक हूं
अब चंद्रावली ने देखा और एकदम आश्चर्यचकित हुई कि मैं चंद्रावली और बोल रहे हैं राधे। तो उन्होंने कहा ठीक है आप वहीं बैठिए, हे मथुरा के राजा कंस आप वहीं बैठिए। तो चंद्रावली ने जब ये कहा तो कहा यहाँ पर कंस, बोला तो यहाँ राधा कहा। तब उनको लगा कि हाँ मैंने कुछ गलत बोला। तो यहाँ बताया कि भगवान श्री कृष्ण जहां कहीं भी क्यों ना हो, किसी भी गोपियों के पास क्यों ना हो, लेकिन चिंतन हमेशा राधा रानी का ही होता है। ठीक है तो एक बार जोर से बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्रीमती राधा रानी की जय जय श्री राधे। ओम ज्ञान देवीरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं सर्वप्रथम अपने गुरु पाद पद्म श्रीपाद श्री महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात अपने परम गुरुदेव श्रीपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्रीमन महाप्रभु समेत समस्त गौर परिकर एवं समस्त गुरु परम्परा जय युक्त हूँ। आप सभी यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी आप सबको प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो मेरी आप लोगों से एक प्रार्थना है। देखिए जो रासलीला है ना, ये भागवत जी का प्राण है, पंच प्राण है, इसीलिए इसको श्रवण करने से हमारा जो हम वास्तव में क्यों श्रीमद् महाप्रभु की इस दिव्य धारा में आए हैं उसका निष्कर्ष निकाल देती है यह लीला। इसीलिए पराभक्ति की प्राप्ति इस लीला को श्रवण करने से ही होगी। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि जितनी देर मैं बोलूंगा उतनी देर आप में से क्या तो जिसको जाना है वो अभी चल जाए खड़ा होकर के या खड़ी होकर के, अन्यथा कोई बीच में कोई व्यवधान प्रस्तुत ना करे। ये मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। कोई चूंचा बातें ये सब नहीं। मैं वैसे भी आज समय कम है तो शॉर्ट में ही बोलूंगा, लेकिन आप प्लीज आप कृपा करके बहुत ध्यान से इस लीला को सुनेगा और कोई व्यवधान के बिना। अस्तु। देखिए श्री ये जो रासलीला है इसको कामत जय लीला कहा है। ये कामत जय लीला है। इसका रासलीला जो देखिए गोपी और श्री कृष्ण का संवाद जो उससे दिव्य फल की प्रस्तुतिकरण होता है वही रास है। रसानाम यस्य सा समूह इति रासः, रसों का समूह ही रास है। शुरू करते हैं पहले श्लोक से। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिकाः विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायाम्बुपाश्रिताः तदोडुरो राजः ककुवर्धन प्राच्छान लिम्पन्नरुणेन संतमय विवर्चनीनां मुदगा चुचु प्रियं प्रियाया इव दीर्घदर्शयन् दृष्ट्वा कुमुत्तव खंडमंडलं रमाननाभम्य हुकुंकुमारुणं वनं च तत्त्वो मलगोभिरञ्जितं जगौकलं वामदृशां मनोहरम् निशम्यगीतं तदनंगवरधनं व्रजस्त्रिया कृष्णगृहीतमानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाशयत्र कान्तो जबलोलकुण्डला दुहन्त्योभीययो काश्चिद्दोहं हित्वा समुत्सुका पयोधीशत्वसंज्ञावमर्दवश्यपरायययो परिवेशयन्तित्वा पारयन्तः शुशुण्वयः शुश्रूषन्तीं पतिं काश्चिद् अश्यन्योपाश्यभोजनं लिम्पन्त्यप्रम्रजन्तुन्याञ्जन्त्य काश्यलोचने व्यक्तस्तवस्त्रावरणात् काश्चिद् कृष्णान्तिकमयो कावर्यमाना पतिभिः पितृभिः भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दात्मानं नङ्गवर्तन्तमोहिता अन्तर्मेघ्रेता काश्चिद् गोप्यो लब्धभिर्गमः। ये रासलीला का कुछ शेष अभी इतना सुनिए। भगवान पिता रात्रि इस लीला को कौन कर रहा है? साक्षात भगवान। साधारण व्यक्ति नहीं इस लीला को कर सकता। देखिए आप लोगों का प्रश्न होगा भगवान ने रासलीला क्यों करी? केवल एक ही कारण है, एक उत्तर। हमारे चक्रवर्ती पाद कहते हैं क्यों करी? भगवान भक्त वांछा कल्पतरु है, अपने भक्तों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। और गोपियां गोपियों के लिए नारद जी कहते हैं गोपी प्रेम की ध्वजा। गोपियां साक्षात जितना श्री कृष्ण को श्री गोपी प्रेम करती है उतना कोई नहीं करता है।
इसलिए गोपियों की वांछा पूरी करने के लिए श्री कृष्ण ने रासलीला करी। दूसरा कारण, रासलीला की फलश्रुति क्या है? विक्रीडितं ब्रजवधु विरिदं च विष्णु श्रद्धान्नतोनु सुनयादत वरणयित्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य काम हृदरोगमस्वपहिनोत्यचिरेण धीरः। जिसके सुनने से पराभक्ति की प्राप्ति हो जाती है और हृदय से काम जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, उस लीला को श्रवण कराने, उस लीला को करने का केवल एक ही उद्देश्य, भगवान पराभक्ति की प्राप्ति करा रहे हैं। और लोग अनर्गल बात करते हैं इस लीला पे, रास लीला भगवान ने करी, हम क्यों नहीं कर सकते, ये है वो है। नहीं भैया, अगर ये अनर्गल लीला होती तो आप बताइए सुखदेव परमहंस जैसे इस लीला को, और वो भी समस्त महाराज ब्रह्मऋषि राजऋषि वेदऋषि मनीषि बड़े बड़े न्याय तर्कों का प्रतिपादन संपादन करने वाले योगिंद्र मुनिंद्र कविंद्रों के सामने यह लीला अगर अनर्गल होती तो कह सकते थे? नहीं, ये लीला परम शाश्वत तत्व को परम शाश्वत तत्व को प्रकट कराने वाली लीला है। इसलिए भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता, भगवान ये लीला कर रहे हैं। समस्त महाराज सारा का सारा पर्यावरण श्री भगवान ने बनाया है। महाराज 6 महीने की दिव्य ब्रह्मरात्र उचार्य व ब्रह्मा जी की रात्रि बनाई है, और महाराज सारी गोपियां आई हैं। गोपियां भगवान श्री कृष्ण यहाँ नायक है, गोपियां नायिका है। विक्षरंतु मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता, पहले अपने मन के चक्र में ठाकुर जी ने सबसे पहले योग मायाम उपाश्रिता, चक्रवर्ती पाद कहते योग मायाम श्री राधायाम ता उपाश्रिता, पहले श्री राधा रानी को वर्णन किया है कि चलो श्री जी रास में चले। उसके बाद क्या हुआ, देखिए भगवान ने पहले नायक आ गए, सारा का सारा पर्यावरण रास का बन गया। अब भगवान ने गोपियों को बुलाया है, कैसे, वंशी बजा करके। निशम्य गीतं तदनंग वरधनं ब्रजस्त्रिया कृष्ण गहित मानसा आजक मुरन्योन्य मलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जब लोल कुंडला। भगवान ने वंशी का निनाद किया है, और वंशी में क्या बजाया है, जगौ कलम बाम दृशम मनोहरम की। शब्द का अर्थ क्या है, ककारो नायिका कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह इकारो प्रकृति राधा महाभाव स्वरूपिणी, राधा रानी को बुलाया है। देखिए वंशी बड़ी खतरनाक है। एक बार क्या हुआ, श्री गोपियां सारी गोपियां और श्री कृष्ण ने विचार किया चलो क्रीड़ा करें, छुपन छुपाई खेलें। तो महाराज जी सारी गोपी, श्री कृष्ण ने कहा ठीक है हम छुपेंगी तुम ढूंढो, तो श्री कृष्ण छुप गए हैं और गोपियां ढूंढ रही हैं, गोपियां ढूंढ रही हैं जोर जोर से, कृष्ण कृष्ण गोविंद कहाँ है आप, गोविंद कहाँ है आप। महाराज इतनी जोर से गोविंद बोली, श्री कृष्ण को दिव्य महाराज ताप सताने लग गया, और महाराज की कहीं गोपियां ढूंढ ना ले, और एकदम से श्री कृष्ण भयभीत हो गए। तो एकदम से श्री भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, दो हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण कर लिया। लेकिन गोपी का प्रेम देखो, जैसे ही उन्होंने धारण किया, गोपियों ने देखा तो उनको यूं ही ले गए श्री कृष्ण ने, कहा अरे नारायण आ गए, इनका वंदन करो हमारे कृष्ण कहाँ है, हमारे कृष्ण कहाँ है, उनको बोले कि नारायण आ गए नारायण आ गए। महाराज जब कृष्ण नहीं मिले, बोल रही है गोपियां अरे कृष्ण आओ आओ साक्षात नारायण पधारे हैं, आप कहाँ हैं। तो महाराज जब कृष्ण नहीं आए, क्योंकि वो तो साक्षात नारायण के स्वरूप में खड़े हैं, तो गोपियों को इतना ताप हुआ विरह का, अरे कृष्ण आप क्यों नहीं आ रहे। तो महाराज वो ताप इतना जोर का भड़ा कि उस गोपी के दिव्य विरह ताप से भगवान के दो हाथ पिघल गए और वंशी प्रस्तुत हो गई। देखा गोपियों ने, अरे छलिया ये तुम थे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, तुम कभी अपने हाथ से मुरली मत छोड़ देना, यदि तुमने मुरली छोड़ दी तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। इस कारण से वंशी तत्र प्रेम रूपिका, हमारे गौड़िया संप्रदाय में ये वंशी कौन है, साक्षात प्रेम रूपिका, भगवान की प्रिय, भगवान के प्रेम का ये महाराज साइन है। इस कारण से भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। गोपियां कैसे आ रही हैं, महाराज एक गोपी दूध निकाल रही है गाय का, दुहंत्यो भी ययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः पय
आयो दिन शंतु संयाव मर्दवशा पर आये हो। एक गोपी दूध निकाल रही है गाय का, वंशी पहुंची है जाकर के, अरे चल 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 तो श्री गोविंद बुलाए रहे हैं। तो महाराज गोपी चलने लगी, इतनी देर में ध्यान आया कि पीछे आदि बाई ने दूध निकाल लिया था। तो महाराज आदि बाई की दूध को अपने हाथ से महाराज उस सारे दूध को गिरा दिया। वंशी ने पूछा, ठीक है भगवान बुला रहे हैं, कृष्ण बुला रहे हैं, लेकिन ये आदि बाई की दूध क्यों फेंक दिया? उस गोपी ने कहा, श्री कृष्ण का दर्शन करते करते, उनके साथ विहार करते करते, यदि आधी बाल्टी ये दूध उस समय याद आ जाता तो उतनी देर के लिए मैं कृष्ण रस से वंचित हो जाती। तो मानो समस्त संबंधों का परित्याग करके गोविंद के दर्शनों के लिए गोपी चल। एक गोपी अपनी आंख में काजल लगा रही, अंजन्त्यः काश्यलोचने व्यक्तस्य वस्त्राभरणात्, अस्त व्यस्त वस्त्रों को करके महाराज जा रही थी। वंशी ने कहा कि तू इस तरीके से क्यों जा रही है, अच्छी तरह लगा ले, अच्छी तरह तैयार हो ले, भगवान बुला रहे हैं। महाराज उसने ऊपर की चीज नीचे पहन ली, नीचे की चीज ऊपर पहन ली, अंगूठे के उसने पैरों के बिछुआ बना लिए, महाराज दो पायलों को जोड़ करके कंठ का हार बना लिया और चली अस्त व्यस्त वस्त्रों को करके चली। तो वंशी ने पूछा, ढंग से पहन ले, माना गोविंद बुला रहे हैं तो इतनी क्या जल्दी है? उन्होंने कहा, एक केवल मेरे गोविंद ही तो है जो ये नहीं देखते कि कौन कैसा है, वो तो केवल एक चीज देखते हैं, भक्ति प्रियो माधव, मेरे हृदय में उनके लिए कितना ताप है। एक गोपी महाराज बच्चों को खाना परोस रही थी, महाराज वंशी पहुंची और जैसे ही वंशी ने कहा चल चल श्री कृष्ण बुला रहे हैं, तो महाराज उसने गोपी ने छबड़िया हाथ में रखी थी, उन्होंने वो जो सर्विस के लिए सर्व करने के लिए हाथ में जो परोसने के लिए छबड़िया रखी थी उसको वहीं धर दिया। खाना हो तो खाओ, नहीं खाना हो तो मत खाओ, मैं तो श्री गोविंद से मिलने जा रही हूँ, वो तुरंत चली गई। एक गोपी को रोक लिया गया, व्यक्तस्त वस्त्राभरणात् काश्चित् कृष्णान्तिकम् ययो तावर्यमाना पतिभिः पितृभिः भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दात्मानं नग्नवर्तन्ते मोहिता अन्तर्मेः गृहीता काश्चित् गोप्यो लब्धविनिर्गमा कृष्णं तद्भावना युक्ता तत्कृमीलितलोचना दुस्सह पृष्ठ विरह तीव्रता पशुता शुभा ध्यान प्राप्ता चितश्लेष निर्वित्याक्षीर्णमन्यः। एक गोपी को रोक लिया, तू क्यों जा रही है, नहीं जाना। गोपी ने कहा, ये शरीर तेरी माता है ना, ये शरीर तेरी पुत्री है ना, ये शरीर तेरी बहन है ना, ले मैं आज शरीर का परित्याग करके जा रही हूँ। तो मानो श्री कृष्ण नाम संकीर्तन करते हुए गोपी अंतर हृदय से श्री गोविंद के साथ पास रास में पहुंच गई। सारी की सारी गोपियां जब पहुंची है, भगवान ने स्वागत किया है, स्वागतम भू महाभाग प्रियं किं करवाणि वा प्रजस्यानामयं कच्चित् भ्रूता गमनकारणं रजन्नेशा घोर रूपा घोर सत्व निषेधिता प्रतियादत् प्रजन्नेह स्त्रीहं स्त्रीवि सुबुद्धिमा मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वा विचिनमन्तीह प्रश्यन्तु माकथ्य बन्धु सत्वशं दृष्टं बनं कुशुभितं राकेश कररञ्जितं यमुना लिली लैजरितरु पल्लव शोभितं तदया माचितं गोष्ठं शुश्रुषुन्नुं पतिं सती कृन्नन्ति वत्सा बालाश्च तान् पायथ दुह्यते अथवा मद्भिस्नेहात् भवत्यो यन्त्रदासयात् आगता युगवन्नम् प्रियमय जन्तव भक्तु शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो यमाया चद्बन्धुनां च कल्याण्य प्रजानां चारु पोषणं दुर्शीलो दुर्भगो वृद्धो जलो रोग्यधनोऽपि वा पति स्त्री निर्वहातव्यो लोकेषु व्यपातकी अस्मर्गम मैं शशम च बल्म गच्छम भयावह जुभुक्त सर्वत्र उपद्रम कुलस्त्रियात्। ये सब श्री कृष्ण बोल रहे हैं। आओ आओ महाभाग्यवतियों, पधारो, काहे को आई हो तुम? गोपियों के दिमाग खराब हो गया, महाराज क्या बोल रही हो, पहले तो बंसी बजा करके बुला लिया और अब पूछ रहे हो क्यों आई हो। महाराज जब कहा, तुम्हारे पति होंगे ना घर में, कैसा भी पति हो, जनो रोके धरो धनो अपिवा पति स्त्री निर्वहातव्य लोकेशु विपातकी, अरे पति की सेवा करो, यही सबसे बड़ा धर्म है। गोपियों ने कहा कि आप एक बात बताइए, जो परम पति हैं उनकी सेवा को छोड़ करके किसी और की सेवा का क्या लाभ? चक्रवर्ती बात कहते हैं, यस्य पतयः शाह पतयः, जो साक्षात जगतपति हैं उनकी सेवा को छोड़ करके कहां जाए। और पहले बताओ बुलाया क्यों वंशी को, वंशी बजा करके? तो मानो चक्रवर्ती पाद लिख रहे हैं, यहाँ काम उदय हो गया था तो काम का पहला मर्दन करने के लिए उन्होंने ये बात कही है। ठीक है कोई बात नहीं, उन्होंने कहा
पति स्त्री निर्वहातव्य लोकेशु भेपात की कहा श्रवणात दर्शनात ध्यानात मई भावो न कीर्तनात न तथासन निकर्षे न पति याद ततो गृहान। गोपियों मैं ऐसे नहीं मिलता, मैं कैसे मिलता हूँ जो मेरी दिव्य कथा को श्रवण करता है। श्रवणात दर्शनात ध्यानात मई भावो न कीर्तनात, जो मेरी परम कथा को श्रवण करता है, मेरा ध्यान करता है, उसको ही मैं प्राप्त होता हूँ। एक बार क्या हुआ, गोपी जो, क्योंकि गोपियों का महाराज विरह जो है, राधा रानी का विरह है, वही श्री देखो हम लोग है ना, किसी को कब तक कोई व्यक्ति हमारे सामने हो तो महाराज केवल वो हमारे सामने होता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति जिसे हम प्रेम करते वो हमारे सामने नहीं होता ना, वो कहीं और होता है, तो महाराज वो हमारे चारों तरफ होता है। आंख उसको खोजने के लिए ढूंढती है, कर्ण उसके शब्दों को सुनने के लिए ढूंढते हैं, और होठ उसको उससे बात करने के लिए महाराज उत्सुक होते हैं। ऐसे ही श्री गोविंद और श्री राधा रानी की स्थिति है। महाराज एक बार क्या हुआ, श्री गोविंद जो है वो श्री राधा रानी की दिव्य अंग में विराजमान थे, सर रखा हुआ था, तो गोविंद श्री किशोरी जी के नेत्रों में देख रहे हैं, श्री किशोरी जी गोविंद के नेत्रों में देख रही है। एक दूसरे को देखते देखते राधा रानी जोर से रोने लगी और अपना दुपट्टा अपना महाराज उत्तरीय लिया और एकदम से मुंह छुपा करके रोने लग गई। श्री कृष्ण ने पूछा क्यों रो रही है प्रिया जी, अरे अंक स्थित प्रलाप, मैं तुम्हारी अंक में स्थित हूँ तो तुम प्रलाप क्यों कर रही हो। श्री राधा रानी बोली विरह वो न संग मस्तस्य, अरे जब आप मेरे से छोड़ करके यहाँ से चले जाएंगे तो आपका जो दिव्य विरह है वो जो मुझे आनंद प्रदान करता है, आपका संग मुझे उतना आनंद प्रदान नहीं करता, इसीलिए विरह वो न संग मस्तस्य। भैया इस कारण से तो पहले भगवान का रास हुआ है, पहले रास कर रहे हैं भगवान, रास करने के बाद महाराज गोपियों के मन में आया। अच्छा रास से पहले बताऊं, गोपेश्वर लीला भी बहुत प्रसिद्ध है, हमारे मन हमारे श्री धाम वृंदावन में अद्भुत महाराज श्री भगवान शंकर हैं, जो एक पूरे विश्व में केवल एक ही ऐसे शिव हैं जिन्होंने महाराज ऐसे दिव्य वेशभूषा धारण कर रखी है, लहंगा और फरिया नाक में नथ इत्यादि से जिनकी दिव्य स्तुतियां होती है। मैं गर्ग संहिता के हिसाब से सुनाऊं तो एक बार क्या हुआ, शंकर जी को मन किया भगवान का रास को देखने चले महाराज, तो शंकर जी ने कहां गए, शंकर जी अन्नपूर्णा जी के पास गए हैं। अन्नपूर्णा जी के पास जाकर के शंकर जी ने कहा भिक्षा दे दो। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे समस्त कार्य सिद्ध्यार्थम भिक्षां देहि च पार्वती, आज मुझे भिक्षा दे दे। ले आई अन्नपूर्णा जी, महाराज कंदमूल फल डाल रही थी, जब डालने लगी तो आज मुझे ये सब भिक्षा दीजिए, तो क्या चाहिए, आज तो तू मुझे अपना स्वरूप दे दे, आज तो मुझे दिव्य स्वरूप दे दे। तो महाराज श्री अन्नपूर्णा जी ने दिव्य शंकर जी का श्रृंगार किया है, आंखों में नैनों में दिव्य काजल लगाया है और महाराज भाल पर बिंदी सुशोभित करी है और महाराज उनके दिव्य कानों में कुंडल सुशोभित किए हैं, पैरों में नूपुर सुशोभित किए हैं, दिव्य लहंगा और फरिया डाल करके और घूंघट उड़ा करके रास में भगवान को भेजा है, और शंकर जी जब गए हैं तो रास के बाहर खड़े हैं, और खड़े हैं तो श्री कृष्ण ने एकदम से टेढ़ी नजर करके देखा और बुलाया विशाखा जी को, विशाखा जरा पास आई हो, ये देखियो ये मोटी मोटी गोपी कौन है महाराज, ये कहां पे आई है, ये घेबरवन की है कि नंदगांव की है महाराज, की है बरसानी की है कि वृंदावन की है, देखियो जरा। विशाखा जी गई है, जैसे विशाखा जी ने घूंघट उठाया है तो देखा है दिव्य महाराज दिव्य नैनों में काजल सुशोभित हो रहा है और कपोलों पे लालिमा सुशोभित हो रही है, कानों में कुंडल सुशोभित हो रहा है, गले में कंठा हार सुशोभित हो रहा है और महाराज दिव्य अन्य अन्य प्रकार के अलंकार सुशोभित हो रहे हैं, उसके साथ साथ तुर्रादार मूंछ भी सुशोभित हो रही है। एकदम से देखा विशाखा जी ने कहा लालजू परम पुरुष श्री कृष्ण ही हैं, वही रास करने के अधिकारी हैं। फिर महाराज
सर्वनाश हुआ है रास में गोपियों को महाराज अहम मद हो गया है कि ये साक्षात परात्पर पर ब्रह्म है और हम कितनी सौभाग्यशाली, हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन होगी जो ये हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। लेकिन चक्रवर्ती बात कह रहे हैं मदश्च मदैव च, जिसके मन में कृष्ण के अलावा कुछ और होता है तो वह मद होता है। इसलिए मद का मान करने के लिए और महाराज भगवान अंतर ध्यान हो गए हैं राधा रानी को लेकर के। अंतर हिते भगवते सहसे ब्रजांगना अतप्य समचाणक्षक करण्य एव यूथपम, पूरे यूथ के भीतर से भगवान अंतर ध्यान हुए हैं और जैसे अंतर ध्यान हुए हैं गोपियों को ऐसी दिव्य वेदना सताई है महाराज। आगे जाकर के श्री कृष्ण ने राधा रानी को भी छोड़ा है। क्यों छोड़ा? क्योंकि राधा रानी जानती है कि जब तक मेरा आश्रय नहीं प्राप्त करेंगी गोपियों को श्री कृष्ण नहीं प्राप्त होंगे। इसलिए महाराज यदि श्री कृष्ण रस प्रदान करने वाले हैं तो श्री जी पात्रता प्रदान करने वाली है, इसलिए हमारा वास्ता श्री कृष्ण से नहीं है, वो तो ठुमक ठुमक करके हमारे पास ही आएगा यदि राधा रानी का दिव्य नाम हमारे पास है तो। इस कारण से सारी की सारी राधा रानी पहुंची है, गोपियों और राधा रानी ने मिलकर के श्री कृष्ण को बुलाया है। इतना सुंदर श्लोक है महाराज जी, हानाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणायामी सखे दर्शय सन्निधि। हा नाथ रमण प्रेष्ठ, हे नाथ हे रमण, हमारे ब्रज के संत कहते हैं श्लोक के अंदर हमारे सप्त ठाकुर हैं। हा नाथ से राधा, हा नाथ से गोपीनाथ जी हैं, रमण से राधा रमण है, प्रेष्ठ कहते हैं वल्लभ को, वहां दामोदर जी हैं और महाराज आगे आगे और जो बचे हैं ठाकुर जी वो हैं इस पूरे श्लोक में। तो जैसे ही ये सुना साक्षात समस्त गोपियों ने श्री कृष्ण के साथ श्री गोपी गीत का पाठ किया है। ये गोपी गीत स्वतः सिद्ध पाठ है, जो इसको नित्य प्रति करता है श्री ठाकुर जी उसको अवश्य मिलते हैं। महाराज जयति तेदिकम जन्मना ब्रज शयत इंदिरा शश्वत प्रिय आगे चल चल। अभी समय नहीं है इसको लिब्रेट करने का वरना पता था। इस कारण से जब गोपी गीत हुआ है तो भगवान ने क्या किया है, विक्रीडितं ब्रजवधु विरिदं च विष्णु। आखिरी में जब गोपी गीत समाप्त हुआ है, गोपी गीत के समाप्त होकर होने तक भगवान मनमथ मनमथ स्वरूप से प्रकट हुए हैं। मनस्वी मथनाति मनमथ तस्य मनम मथनाति मनमथ, जो पूरे विश्व का विश्व के मन को मथ रहा है उसको काम कहते हैं। लेकिन जो जो काम के भी मन को मथ दे उसे कृष्ण घनश्याम कहते हैं। इसलिए महाराज भगवान भगवान की ये दिव्य रास लीला है। भगवान गोपी गीत के बाद प्रकट हुए हैं, प्रकट होने के बाद फिर महाराज भगवान का महारास हुआ है। जब महारास हुआ है तो इतना सुंदर श्लोक है, पादन्यासै भुजति विश्वस्मृतै भ्रूविलासै भज्जन मध्यै चलकुटपटै कुण्डलै दण्डलोलै सत्यन्मुख्य कवरनसना ग्रन्थय कृष्णवद्धो गायन्तस्तै तडितैवता मेघचक्रे बिरेजु। एक एक गोपी है, बीच में श्री कृष्ण है, अंगना मंगना अंतरे नंदना माधव माधवम चांतरे नंगना इत्यमा कल्पिते मंडले मध्यगा रात्रि को वेणुर यशोदा नंदना। भगवान ए दोई दोई गोपी बिच बिच माधव, दोई दोई गोपी बिच बिच माधव, गोपी कृष्ण गोपी कृष्ण गोपी कृष्ण, सबके सब भगवान दिव्य नृत्य कर रहे हैं। ब्रह्मा की समाधि शंकर की समाधि को जो हिलाने वाला है वो दिव्य रास का दिव्य प्रसंग अद्भुत है। महाराज हम लोग इसकी पात्रता कब लेकर के आवेंगे, जब केवल और केवल भगवान के दिव्य संकीर्तन में आलोड़ प्रलोड़ होकर के जब हम निमग्न होंगे। महाराज श्रीवास आंगन में जब भगवान श्रीमन महाप्रभु के समक्ष श्रीवास आंगन में जब श्रीमन महाप्रभु संकीर्तन कर रहे थे ना, तो श्रीवास जी का बेटा 16 साल का महाराज अंदर मरा हुआ हुआ, अंदर रोने की आवाज आई तो श्रीवास उठे हैं। अंदर जाकर के देखा है तो पत्नी से कहा, देखा श्रीवास जी ने कि मेरा बच्चा मरा हुआ है, पत्नी से हाथ जोड़ करके कहा, आज चुप रहे, आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा है, पर आज मेरी इच्छा है कि तू आज अभी कुछ मत बोल, क्योंकि नित्य होए जन्म नित्य होए मरण किंतु नित्य नित्य नाए होए गौर गाह गमन, रोज जन्म होगा रोज
मरण होंगे, ये जाने कितनी बार मेरा बेटा बना है, कितनी बार मैं इसका बेटा बना हूँ, कितनी बार ये मेरा बाप बना है, इसलिए ये छोड़ और दिव्य संकीर्तन के दिव्य प्रभाव को देख। इस कारण से महाराज महाप्रभु अंदर आए हैं श्रीवासानंद में, जब अंदर आए हैं तो देखा है इतना सुंदर, तो महाप्रभु बोले कि अरे ये क्यों सोया हुआ है, ये बच्चा क्यों सोया हुआ है। भगवान ने हाथ इधर किया तो वो बच्चा उठ करके महाराज नाम संकीर्तन करने लग गया। इन सभी शब्दों के साथ ही लीला परम सुखमयी है। वांछा कल्प दुर्विश्व कृपा से मुझ पे श्री रास रचया भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप लोगों ने पूरा रस का स्वादन किया है, अभी श्री गिरिराज जी की हम लोग ने पूजा करवाएंगे। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। अरे कोई जय के है बोल रहे हो, जो जितना जोर से भगवान गिरिराज की जयकार देगा। गिरिराज कौन है? कहते ये गिरिराज कोई पहाड़ नहीं, कहते प्रकृत है मनसा जात। बोले श्री राधा रानी के हृदय से ये गिरिराज प्रकट हुआ है। जैसे राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी कृपालु, कहते ये गिरिराज भी बड़े दयालु बड़े कृपालु। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते थे जो व्यक्ति गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं, कहते स्वयं गिरिराज जी कृष्ण उसको पीछे 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 घूमते रहते हैं। कहते इतना कष्ट करके मेरी परिक्रमा लगा रहा है, ये मेरे से क्या मांगेगा, जो मांगो गिरिराज जी वही दे देते हैं। इसलिए बड़े गुरु जी कहते थे ये संसार का स्त्री पुत्र परिवार धन दौलत दुकान मकान गिरिराज तो आसानी से दे देते हैं, लेकिन एक चीज को मांगो तो गिरिराज जी सोच में पड़ जाते हैं, इसको दूं क्या नहीं दूं। बोले वो क्या है? बोले उनकी भक्ति, उनकी सेवा और उनकी प्रेम। बोले भगवान क्यों इसको देना नहीं चाहते? बोले धन दौलत दे कर तो उससे छूट जाते हैं, लेकिन अगर भक्ति दे देना फिर भगवान को उनको वशीभूत हो जाना पड़ता है। जैसे मैया जसोदा की, मैया क्या करती है, कन्या को कान पकड़ करके उठाती है बैठाती है। जो रासलीला श्रवण कर रहे थे भगवान हर जगह में एक प्रतिज्ञा की, लेकिन जब प्रभु रास में आए ना सारे प्रतिज्ञा को वहीं तोड़ना पड़ गया। भगवान को बोलना पड़ा न पार है अहम निरबद्ध संजुजाम, हे ब्रज गोपियाँ तुम लोगों ने मेरे लिए जो त्याग दी, पुत्र परिवार स्त्री धन दौलत सब कुछ त्याग दे करके तुम लोगों ने जो मेरी चरण में शरणागत हुई, ब्रह्मा जी के परमायु लेने पर भी मैं तुम्हारी ऋणी से कभी उऋणी नहीं बन सकता। इसलिए गुरुदेव कहते थे ये भक्ति, भगवान से ये दुनियादारी कोई चीज को मांगना नहीं, क्योंकि ये तो चीज आसानी से तुमको मिलेगा, संसार में आओगे तो आसानी से ही मिलेगा, लेकिन ये भक्ति नहीं होने का नाते हम ये जन्म जन्मांतर ये संसार का चक्कर में हम पड़े हुए। जब भगवान की चरण में भक्ति हो जाएगी फिर तो ये जन्म मृत्यु का चक्कर से चिरकाल के लिए हमारी उद्धार हो जाएगी, नहीं तो ये संसार नाती पोती दुनियादारी में फिर फंसे रह जाएंगे। इसलिए श्री गिरिराज का एक नाम है सर्व अभिष्ट प्रदाता, ये सारे इच्छाओं को ये गिरिराज जी हमारी पूरी कर देते हैं। बोले प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरते रचयति नव जोन द्वंदमस्मिन मंदम एत कील कलनार्थ लग्न कस्त्वयर मे निज निकट निवास देही गोवर्धन त्वम। कर जिनकी कंदरा कंदरा में, जिनकी कुंज कुंज में ठाकुर जी लीला करते रहते हैं, इसलिए हमारी संप्रदाय में जितने सब संत हुए श्री सनातन गोस्वामी, इनका रोज नियम था वृंदावन से चल चल के गिरिराज जाते थे, पूरा गिरिराज परिक्रमा लगा करके मथुरा जाते थे और वहां से माधुपुरी लेकर के वृंदावन आते थे, फिर वो माधुपुरी ग्रहण करते थे। ऐसे दिन में 50 किलोमीटर चलते थे और रोज श्री गिरिराज गोवर्धन की ये परिक्रमा करते थे। हमारे श्री रूप गोस्वामी गिरिराज तलेटी में रहते थे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी तो महाप्रभु जब उनको गिरिराज शिला दिए, बोले रघुनाथ ये गिरिराज नहीं,
ये साक्षात भगवान कृष्ण तुम्हें दे रहा, इसलिए ये गिरिराज गोवर्धन कोई पहाड़ नहीं, ये कौन है? जब श्री श्याम सुंदर गोलोक वृंदावन से आए तब राधा जी को बोले, हे राधे मेरे साथ में तुमको जाना पड़ेगा। बोले कहाँ चलोगे? बोले ये मरते जगत में। बोले मैं नहीं जाती। बोले क्यों? बोले जहाँ पर गिरिराज नहीं, जहाँ पर यमुना नदी नहीं, नंदगांव बरसाना नहीं, मैं जा करके क्या करूँगी? कृष्ण बोले देखो राधे, जब मैं गोलोक वृंदावन से उतरूंगा, ये संपूर्ण गोलोक वृंदावन को ही मैं उतार दूंगा, मैं नहीं, मेरे जितने सखा सखी ग्वाल बाल, तू नहीं, तेरी जितने सखी सखा पिता माता सब चलेंगे, पूरा ये ब्रज धाम चलेगा। राधा रानी बोले फिर तो मैं चलूंगा। इसलिए भगवान जब आते हैं वो धाम समेत इस मर्त्य जगत में ठाकुर जी उतार देते हैं। इसलिए गिरिराज कौन कौन गए हो? हाथ उठा, कौन कौन गिरिराज गए? हाँ, आप लोग गिरिराज को कैसे देखते हो? साधारण पत्थर सा, लेकिन हमारे कवि कर्ण पुरुष को वर्णना करते, क्या वर्णना किया उन्होंने। बोले जो पत्थर देख रहे हो पत्थर नहीं, कहते हीरे जवाहरात हैं, चिंतामणि, वहाँ वृक्ष कोई साधारण नहीं। वो वर्णना करते हैं, हमें पता है एक वृक्ष में एक ही फल होता है, लेकिन वहाँ पर श्री वृंदा देवी एक वृक्ष में चीकू पपीता आपेल केला अंगूर एक वृक्ष में मिलेगा। हमें पता है एक वृक्ष में एक तरह का ही फल होता है, लेकिन एक वृक्ष में सब तरह का फल, एक तरह का पत्ते नहीं। कहते एक वृक्ष में सारे पत्ते, एक तरह का फूल एक वृक्ष में नहीं। जुई चमेली बेली चमेली जुई केतकी, एक वृक्ष में सारे फूल वहां पर मिलता है, क्योंकि वहां का वृक्ष कल्प वृक्ष सबके सब गिरिराज गोवर्धन में। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, चिंता मणिमय राधा कुंड तट ताहे कुंज सत फल विद्रुम मय तरुलता ताहे कुंज सत सत। वो वर्णना करते हैं श्री राधा कुंड कैसे, जो सीढ़ी सीढ़ी नहीं भले हीरे जवाहरात से बनी हुई। कहते वो जो वृक्ष नहीं, वो मुक्ता, जिस वृक्ष में हीरे जवाहरात मुक्ता फल फला हुआ, बड़े सुंदर कुंज, इतने सुंदर कोई कुंज का रंग हरिद वर्ण, किसका रंग एकदम सफेद वर्ण, किसका रंग लाल वर्ण। कहते अगर कुंजों के अंदर में कोई प्रवेश करे ना, भले वो रंग अपना रंग मिल जाती है, पता नहीं चलेगा खड़े होकर के अंदर में किसको देख नहीं सकता। अद्भुत रूप में ये गिरिराज गोवर्धन राधा जी की हृदय से प्रकट हुई। बोले श्री गिरिराज महाराज की, बोले गिरिराज गोवर्धन की। इसलिए इनका नाम क्या है? बोले गिरिराज। गिरिराज मतलब क्या है? गिरि मतलब होता है पर्वत, राज मतलब सारे पर्वत में जो राजा, क्योंकि ब्रज में विशेष करके तीन पर्वत है, एक ब्रह्माचल पर्वत, एक विष्णु पर्वत, वहां सखीगिरी भी पर्वती है, हैं? हर सखियां भी एक एक पर्वत रूप धारण की। स्वयं शंकर जी नंदीश्वर बन करके प्रकट हुए, ब्रह्मा ब्रह्माचल पर्वत बन करके, कृष्ण और विष्णु ये गिरिराज रूप में, ये पर्वत रूप में प्रकट हुए। इसलिए ब्रज के वृक्ष पेड़ पौधा पर्वत वो कोई साधारण वस्तु नहीं, इसलिए इनका नाम गिरिराज। और दूसरा नाम क्या? बोले गोवर्धन। गोवर्धन मतलब क्या है? गो मतलब गोपी, गो मतलब इंद्रियां, गो मतलब वेद, गो मतलब गाभी हैं, इनको वर्धन, उनको जो बढ़ाता है, उनको जो सेवा करते हैं श्री गिरिराज गोवर्धन। इसलिए कृष्ण ब्रजवासी कहाँ से ये फल मूल कहाँ से प्राप्त करते हैं? गिरिराज से। गैया कहाँ घास खाते हैं? गिरिराज से। दूध देते हैं, उसी दूध को ब्रजवासी कृष्ण बलराम पान करते हैं। पानी कहाँ से मिलता? झरना, बोले गिरिराज गोवर्धन से। स्नान कहाँ करते हैं? गोवर्धन गए ना, मानसी गंगा राधा कुंड श्याम कुंड कुसुम सरोवर, जहाँ पर भगवान स्वयं स्नान करते हैं वहाँ पर। इसलिए गिरिराज गोवर्धन को राधा रानी कहती हैं, बोले हंताय अद्रिय बला हरिदास वर्ज्य जत राम कृष्ण चरण स्पर्शम प्रमोद। राधा रानी कहती हैं ये गिरिराज कौन है? बोले ये सबसे बड़े भगवान की सेवक श्री गिरिराज गोवर्धन है। जब भगवान गिरिराज में
गैया चराने जाते हैं, इनके चरण स्पर्श प्राप्त करके जो घास है ना, कद वो घास नहीं, प्रेम से उनको शरीर रोंगटे जैसे खड़े हुए, को जो झरना झरना नहीं, भगवान की चरण स्पर्श से आंखों से आंसुओं की झरी बह रही है गिरिराज। और जो भगवान चरण फैलते हैं, गिरिराज अपना जीवा को निकाल देते हैं, बोले प्रभु मेरे जीवा को ऊपर में रखो, जीवा कितने गुदगुदी होता है जीवा, इसलिए गिरिराज गोवर्धन ऐसे मधुर मधुर लीला ठाकुर जी करते हैं, इसलिए गिरिराज की बड़ी महिमा है। इसलिए एक दिन श्री ब्रजवासी लोग हैं इंद्र पूजा करने के लिए तैयारी हो रहे हैं, रात भर मैया जसोदा लड्डू कचौड़ी मालपुआ बना रही थी। इतने में कृष्ण का उम्र हो गया 7 साल 2 महीना, हर साल कृष्ण देखते हैं, लेकिन इसी साल कृष्ण सोच रहे हैं, इंद्र का मन में बड़ी घमंड है, बड़ा अभिमान है, मैं स्वर्ग का राजा, ये ब्रजवासी मेरे प्रजा हैं, जिस नंद बाबा को जूती में स्वयं धारण करता हूँ, जिन सखाओं को झूठन में खाता हूँ, जिन गोपियों की चरण में मैं स्वयं सर झुका देती हूँ देता हूँ, इंद्र क्या सोच रहा है, अरे मैं स्वर्ग का राजा इस प्रजा है, अगर मैं बारिश नहीं दूंगा ना सब मर जाएंगे सब के सब, लेकिन ब्रज की एक धूल में इतने शक्ति, कितने करोड़ ब्रह्मा को, कितने करोड़ वैकुंठ, कितने करोड़ स्वर्ग में इंद्र को सृष्टि कर सकते हैं, ब्रज की एक रज में इतने शक्ति, इसलिए इनके अभिमान को चकनाचूर करने के लिए ब्रजवासियों को साथ में प्रभु 7 दिन तक निवास करने के लिए और प्रभु की रासलीला का प्लेटफॉर्म बनाने के लिए भगवान ने इंद्र पूजा को बंद करवा दिया। बोले पूजा करो तो किसकी पूजा करो, बोले श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो, अगर कोई हमारा झोली भरेगा तो कौन भरेगा, बोले श्री गिरिराज गोवर्धन हमारी झोली भरने वाले। इसलिए बोले गिरिराज की पूजा करो, बोले साक्षात रूप में कृष्ण दर्शन मिलेगा, गिरिराज सब इच्छाओं को पूरी करेंगे, एक अन्न की दाना तो अगर जीवन में किसी ने गिरिराज की भोग में लगाया, जीव गोस्वामी कहते हैं किसी जीवन में तुम्हारी घर में अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ेगी, घर में माँ लक्ष्मी भरपूर रहेगी, सारे ब्रजवासी बड़े सुंदर सुंदर मालपुआ रसमलाई लेडीगिन चमचम और चावल रोटी सबके सब गिरिराज तलेटी में लाए और ला करके कृष्ण अपने हाथों से अभिषेक किया, सबके अंदर में तुलसी दल दे करके जब गिरिराज गोवर्धन का आह्वान किया, हे गिरिराज गोवर्धन आप कृपा करके आरोगो स्वीकार करो, इतने में गिरिराज स्वयं विशाल रूप धारण किया और गिरिराज कहते हैं अहम गिरिराज, मैं श्री गिरिराज गोवर्धन हूँ, आज का दिन जिसने मेरी सेवा पूजा की है कभी अन्न धन की कभी कमी नहीं रहेगी, और ये गिरिराज पूजा को जो अनादर करेगा जन्म जन्मांतर में भूखे मरते रहोगे, इसको गिरिराज स्वयं बताए हैं। इसलिए गिरिराज स्वयं दर्शन दिया, इतने में जो कुछ भोग लगाया था दोनों हाथ पसार पसार करके भगवान ग्रहण ग्रहण कर रहे थे और मिनट में सब कुछ खा करके समाप्त कर दिया, बोले आने रे और लाओ और लाओ और लाओ, ब्रजवासी बोले प्रभु हम गरीब ब्रजवासी आप इसी में ही प्रसन्न हो जाओ, भगवान तथास्तु बोल करके हैं, इतने भगवान सब कुछ खा लिया, कृष्ण का एक सखा था मधुमंगल ब्राह्मण, ब्राह्मण थोड़े खाने में थोड़ा शौक रहते हैं, बोले कन्हैया अगली साल तो तेरे गिरिराज की पूजा हम नहीं करेंगे, बोले क्यों, बोले ऐसे भूखे ठाकुर सब खा लिया एक अन्न का दाना भी नहीं छोड़े, जब हम इंद्र पूजा करते थे ना जो सूखा खाना सूखा प्रसाद बनता था मिठाई 1 महीना तक घर में होता था खाते थे, और तेरे ठाकुर ऐसे भूखे सबके सब खा लिया, अगली बार इनकी पूजा नहीं, हम तो इंद्र पूजा छोड़े। कृष्ण ने कहा ऐसे मत कहा करो, हमारे गिरिराज ऐसे देवता नहीं, आंख बंद करो, आंख बंद किया तो उन्होंने ऐसा हाथ घुमा दिया, जो 1 किलो का लड्डू लाए थे 2 किलो हो गया, जो 2 किलो रसगुल्ला 4 किलो हो गया, बोले भैया हम तो ठग गए, पहले पता चलता तो ज्यादा ज्यादा बना कर लाते और डबल डबल हो जाता, इसका मतलब है भगवान को भोग लगाने से कभी कमी नहीं पड़ता है, भगवान के प्रसाद हर समय बढ़ता रहता है, इसलिए कृष्ण ने कहा भैया चकाचक भजन करो, चलो हम गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा हम सबके सब करेंगे। पहले ब्राह्मण संत चल रहे थे, बीच में गैया सबके सब चल रहे थे, उसको पीछे ब्रजवासी और सबसे पीछे गोपियां, सबसे पीछे राधा रानी। जब थोड़ी दूर गए ना, राधा रानी के मन में इच्छा हुई,
अगर कृष्ण मेरे प्रियतम सचमुच से हो, मैं चाहता हूँ कृष्ण मेरे को थोड़ा स्पर्श करे। अब राधा जी का मन की बात कन्या समझ गए, बोले स्पर्श करे कैसे कृष्ण बीच में, राधा रानी सबसे पीछे। कृष्ण ने किया क्या है कि बछड़े को आगे पीछे करके मुंह उसका पूछ को ऐंठ दिया और वो बछड़ा फुदकते हुए सबसे पीछे चला गया। कृष्ण उसको बहाना बना करके पीछे गए और राधा रानी को स्पर्श कर दिया। अरे राधा रानी तो आनंद में एकदम खिल उठी राधा रानी। जब थोड़ी दूर गए, अभी राधा रानी के मन में इच्छा हुई एक बार कृष्ण मेरे को दर्शन दे दे, अगर मेरी मन की भावना समझते तो। इतने में कृष्ण क्या का लकुटी को इन्होंने जोर से फेंके, फेंक करके सोचो पकड़ने के लिए गए और राधा रानी का दो आँख और कृष्ण का दो आँख मिल करके एक हो गया। अरे राधा रानी आनंद में बोले श्याम सुंदर मेरी मन की भावना को श्याम सुंदर समझते हैं। ऐसे ही सबके सब ब्रजवासी परिक्रमा की और चकाचक भोजन खाते हुए अभी हमारे डोरीलाल प्रभु जी बड़े सुंदर सुंदर गिरिराज की बधाई गाए के खड़े हो जाए प्रभु जी। बोले श्री गिरिराज गोवर्धन की, और क्या क्या भोग लगाया ना, अभी उन्होंने बताएंगे क्या क्या भोग लगाया, लेकिन मुँह में पानी मत लाया करो क्योंकि आज भी प्रसाद बना है, आप सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है और कल है भागवत कथा की विश्राम। भागवत कथा तो विश्राम होता है नहीं, कल हमारी समापन दिवस कल है, विश्राम दिन है, इसलिए कल भगवान की बड़ी बड़ी, जिन लोगों ने 7 दिन तक कथा नहीं सुन पाए अगर लास्ट का कथा सुन लेना उनको पूरी 7 दिन कथा सुनने का फल मिल जाती है। और पद्म पुराण में बताया जो निर्धन है उनको धन मिलता है, जो रोगी है उनको निरोगता प्राप्त होता है, जो दुखी है उनको सुख मिलता है, जो संतानहीन उनको भागवत संतान प्रदान करती है, और जिसको प्रभु की प्रेम चाहिए उसको भागवत उनको कृष्ण प्रेम की प्रदान करते हैं। और देखो गिरिराज गोवर्धन का कीर्तन में जो नाचेगा ना, गिरिराज ने क्या वरदान दिया, किसी जीवन में अन्न वस्त्र की कमी नहीं पड़ी, इसलिए सबके सब खड़े होकर क्यों नाच रहे। अन्नकूट महोत्सव प्रसाद मत दो, अभी जो लास्ट में आए वही लोग पहले जाकर प्रसाद में बैठ जाते हैं, इसलिए जब तक कीर्तन नहीं हो जाए तब तक प्रसाद नहीं देना। लास्ट पहर जो सत खरी ओ मैं गिरिराज कहिया महाराज जी, मेरे मोहम्मद पानी जो आया है, लेकिन यहाँ तो बहुत व्यक्तियों ब्रजवासी आए थे, इनके मुंह में पानी आया, वो हमारा छप्पन भोग के दर्शन करके महाराज जय जय श्री राधे। खोजन है खीर मोहन खीर सा और खुरमी खीर, खजला जलेबी कला कंद बालू साही, मोन खार मेवा वाली मठरी महसूर बाल, माल खुदा रसगुल्ला संग रवड़ी सुहाई। रवड़ी ऐसी है कि जाके सुनते महाराज अच्छे अच्छे मोहन की पानी आ जाए महाराज। सकल पारे गुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई, पकौड़ी भी है भैया। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री ले गए गिरिराज आज भोग में सजाई। माधुप श्याम
I'm not afraid of the dark.
श्री गोवर्धन महाराज Thank you.